हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? माई सेल्फ ताराचंद, टीम मैथ सीएलसी सीकर। आज हम लोग अपनी गुरुनीति के 11th एपिसोड के अंदर देखेंगे कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के जो क्वेश्चंस जेईई मेंस में आए थे लास्ट 3 अटेम्प्ट्स में, उनको देखते हैं। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन और क्या है फर्स्ट क्वेश्चन। इफ द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ दिस इज डिफाइंड बाई द एफ ऑफ थीटा विल बी इक्वल टू दिस आर स्मॉल एम एंड कैपिटल एम। ठीक है ना, स्मॉल एम और कैपिटल एम से रिप्रेजेंट किया गया है मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू को। क्लियर? देन आपको क्या करना है, एम और कैपिटल एम की वैल्यूज निकालनी है। तो सबसे पहले देखिए आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आ रहा है। तो डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं, तो उसके लिए हमने सबसे पहले इसके अंदर एक प्रिंसिपल लगा दिया। और वो क्या कर दिया हमने, रो थ्री जो है आर थ्री, उसके अंदर से आर थ्री में से आर वन को तो सब्ट्रैक्ट कर दिया और आर टू को ऐड कर दिया। तो देखिए इससे करने से क्या होगा, इसको करने से आपके सामने जो डिटरमिनेंट है आपकी वो इस फॉर्मेट में आ जाएगी। वन इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया तो प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये दोनों आपके सामने क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो ये टर्म जीरो हो जाएगी, ऐसे ये भी जीरो हो जाएगी। और ऐसा इसमें अगर करेंगे तो देखिए कितना आएगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा माइनस 14, और साथ में प्लस 10 करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 4। बाकी जो डेटा है वो एज इट इज रहेगा। सो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, माइनस का 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस का 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 12 और 10। ये सारा पार्ट्स जैसा था वैसा का वैसा एज इट इज रहेगा। साइन थीटा को मैंने एस से रिप्रेजेंट किया है और कॉस थीटा को मैंने सी से रिप्रेजेंट किया है यहाँ पर। इसके बाद में आप इस डिटरमिनेंट को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो क्योंकि ये दो टर्म जीरो हो गई है, ठीक है। तो इसकी के करस्पॉन्डिंग इसको सॉल्व करेंगे तो ये और ये चला जाएगा। सो माइनस 4, और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये इसके साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा। साथ में ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो एक माइनस साइन आएगा। सो देयर विल बी माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। तो इससे ये भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इसमें से एक माइनस साइन को कॉमन लिया तो ये बनेगा कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो होता है कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला। और माइनस साइन को बाहर कॉमन लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा क्योंकि कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर कॉस 2 थीटा होता है। तो फाइनली आपका जो एफ ऑफ थीटा जो फंक्शन है ना वो आपको पता चल गया, और वो कितना है, वो है 4 कॉस 2 थीटा के इक्विवेलेंट। अब देखिए अगर आपके सामने इसके अंदर कोई भी डोमेन आपको कोई एक पर्टिकुलर इंटरवल नहीं दिया हुआ होता तो इसकी मिनिमम वैल्यू माइनस 4 होती और मैक्सिमम वैल्यू प्लस 4 होती, क्लियर। लेकिन आपको यहाँ पर दिया गया है कि आपका जो इंटरवल है वो कहाँ से कहाँ तक है, वो पाई पाई 4 से लेकर के पाई पाई 2 के बीच में है, ठीक है। तो इस इंटरवल में जब हम बात करेंगे कॉस 2 थीटा की, तो थीटा अगर आपके सामने यहाँ से यहाँ है तो 2 थीटा का इंटरवल हो जाएगा आपका पाई पाई 2 से लेकर के पाई के बीच में। और कॉस आप सबको पता होगा पाई पाई 2 पर कितना होता है, 0, और पाई पर कितना होता है, -1, ठीक है। तो इसकी जो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू आएगी आपके सामने, मिनिमम तो होगी इस पॉइंट पर दैट इज -4, और मैक्सिमम होगी आपकी इस पॉइंट पर दैट इज 0। तो इस तरीके से आपका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, वो ये होगा। क्योंकि देखिए स्मॉल m ये इंटरवल नहीं है आपका, ठीक है ना, रेंज का इंटरवल नहीं। स्मॉल m की वैल्यू की बात करें तो वो पाई पर आएगी दैट इज -4, और साथ में ही आपके सामने मैक्सिमम वैल्यू की बात करें तो वो 0 पर आएगी और दैट इज 0। जो पाई पाई 2 पर आएगी जो कितनी होगी, 0। अच्छा ये पाई पाई 2 और पाई क्यों हो गया, क्योंकि देखिए ये जो इंटरवल है ना ये थीटा का इंटरवल है, ये आपके फंक्शन का इंटरवल है, और हमारा जो आ रहा है वो 2 थीटा हो रहा है, तो इसलिए 2 से मल्टीप्लाई होकर के आपके सामने ये डोमेन बन जाएगी। तो पहला आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा, सही आंसर होगा, क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपसे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपको एक फंक्शन दिया गया है, इफ द पॉइंट पी, ये पॉइंट है पॉइंट पी ऑन द कर्व इज फारदेस्ट फ्रॉम द पॉइंट दिस देन पी क्यू स्क्वायर। देखिए इस पॉइंट से आपके सामने इस कर्व के ऊपर एक पॉइंट है जो कितनी डिस्टेंस पर है, मैक्सिमम डिस्टेंस पर है, तो आपको वहां से पी क्यू स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है कि ये जो लेंथ आएगी वो कितनी आएगी। तो देखिए ये कौन सा कर्व है आपके सामने जो दिया गया है, ये है आपके सामने एक इलिप्स, ठीक है, और इस इलिप्स के ऊपर
अच्छा, अगर हमें ये नहीं भी पता ये एलिप्स है या क्या है, अगर आप जनरल कर्व भी इसको मानते हो तो भी आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, बट हमें पता है ये एलिप्स है तो हमने इसका फेयर डायग्राम बना लिया। 0, -4 आपके सामने, इधर आपके सामने कोई भी एक पॉइंट होगा, ठीक है ना, दैट इज नहीं ऊपर नहीं होगा, 0, -4 नीचे होगा इधर, 0, -4 क्लियर है। और आप सबको पता होगी जो डिस्टेंस होती है मिनिमम मैक्सिमम, ठीक है ना, वो हमेशा अलोंग द नॉर्मल लाई करती है, ठीक है। तो 0, -4 से अगर आप इसकी मैक्सिमम डिस्टेंस पे अगर कोई पॉइंट देखेंगे तो वो पॉइंट आपका यहाँ पर लाई करेगा, और इस पॉइंट के निर्देशांक क्या आएंगे तो इसको आप निकाल सकते हो, x²/5 + y²/4 विल बी इक्वल टू 1। तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो कितने होंगे, 0, 2। अच्छा, यही आपका मैक्सिमम डिस्टेंस पे क्यों होगा, क्योंकि इसके बाद में आप जैसे जैसे इधर जाओगे इस साइड में, ठीक है, आपका पॉइंट क्या हो जाएगा, धीरे 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 नीचे आ जाएगा, या इधर तो आपको दिखाई दे रहा है कि काफी नीचे आ चुका है, ठीक है। तो जैसे जैसे आप इधर जाओगे, ठीक है, और इस तरीके से जब देखोगे, और दूसरी चीज आप ऐसे भी देख सकते हो कि इस पॉइंट से आपको एक नॉर्मल ड्रॉ करना है इसके ऊपर, ठीक है। तो इस पॉइंट से जो नॉर्मल होगा, ठीक है, क्योंकि मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस हमेशा उसी के अलोंग लाई करती है, ठीक है, तो जो आपको अधिकतम दूरी है तो PQ² की वैल्यू क्या होगी, तो वो आपकी इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस होगी, और वो डिस्टेंस कितनी है, 6। तो इसका जो स्क्वायर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपका, 36 हो जाएगा, और इस तरीके से 36 आपका क्या है, सही आंसर है। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए आपसे क्या पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई ऑन द टेंजेंट टू द कर्व, ठीक है ना, इस कर्व की टेंजेंट पे इनमें से कौन सा पॉइंट लाई करेगा, एट दी पॉइंट 1, 0 इसके ऊपर लाई कर रहा है, आप चेक कर सकते हो पुट करके, और वैसे भी एट द पॉइंट जब भी बोला जाता है तो हमेशा वो कर्व के ऊपर ही होता है। तो सबसे पहले देखिए, क्योंकि टेंजेंट पर हमें पॉइंट चेक करना है तो हमें देखना पड़ेगा कि टेंजेंट की इक्वेशन क्या है, और उसके लिए आपको पॉइंट दिया गया है लेकिन स्लोप यहाँ से निकालनी पड़ेगी, तो इसको डेरिवेटिव करते हैं इसका और देखते हैं कि dy/dx की वैल्यू क्या आ रही है इस पॉइंट पर। तो देखिए, x की पावर 4 का डेरिवेटिव होगा 4x³ (e^y) + x^(y)(dy/dx) + 2 रूट का डेरिवेटिव होता है 1/2√x, और साथ में हम डेरिवेटिव करेंगे y+1 का, सो दैट इज dy/dx, और इक्वल टू में 3 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0। तो इस पूरे फंक्शन का ये क्या हो गया, डेरिवेटिव हो गया। सो चलिए बात करते हैं, देखिए 2 से 2 कट जाएगा, और 2 से 2 कटने के बाद में आपके सामने जो बचा हुआ पार्ट है उसमें अगर 1, 0 पुट करते हैं तो देखिए कितना आ रहा है। x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये टर्म होगी 4 प्लस ये टर्म होगी आपके सामने 1, सो दैट इज dy/dx, और साथ में यहाँ पर आपको y की वैल्यू 0 पुट करना है तो ये भी होगा dy/dx, और दैट विल बी इक्वल टू 0। सो dy/dx की वैल्यू होगी 8.1, 0, दैट विल बी इक्वल टू -2, ठीक है ना, 2 times दिस विल बी इक्वल टू 4, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, -2। तो यहाँ पर टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी, टेंजेंट की इक्वेशन होगी y-0 विल बी इक्वल टू -2 × x-1। तो यहाँ से आपको इक्वेशन मिलेगी 2x + y विल बी इक्वल टू 2। अब आपको देखना है कि कौन सा पॉइंट है इनमें से चारों ऑप्शंस में से जो इस टेंजेंट के ऊपर लाई कर रहा है, तो जो भी पॉइंट होगा वो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो देखिए, अगर पहला पॉइंट पुट करते हैं तो आएगा -2, 4 पे, -4 + 4 दैट इज 0, जो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, दैट मीन्स पहला ऑप्शन सही नहीं है। 2, 6 की बात करें तो आएगा 4 + 6 = 10, दैट मीन्स ये पॉइंट भी आपका नहीं है। 2, 2 की बात करें तो 4 + 2 = 6, तो ये पॉइंट भी नहीं है। -2, 6 की अगर बात करें तो आएगा -4 + 6, दैट इज 2, तो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस तरीके से आपका जो फोर्थ ऑप्शन है वो क्या होगा, आपका सही आंसर होगा, और यही आपका यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये था आपका टेंजेंट के ऊपर डिपेंड क्वेश्चन। चलिए आगे देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन, और फोर्थ क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपको बोला गया है कि x = 1 अगर इसका क्रिटिकल पॉइंट है फंक्शन का, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है वो आपको बताना है। सो चलिए बात करते हैं, देखिए जो भी क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, वहां पर या तो फंक्शन आपका अनडिफाइंड होता है, या फंक्शन आपका क्या होता है, f(x) की वैल्यू या तो 0 होती है या अनडिफाइंड होती है। तो चलिए बात करते हैं f(x)
इसका डेरिवेटिव की बात करेंगे एफ डैश एक्स, तो उसकी वैल्यू आएगी हमारे सामने, देयर विल बी इक्वल टू ई की पावर एक्स, बाहर है तो ये एज इट इज। इसके बाद में सबसे पहले फंक्शन आएगा 3x² प्लस ए एक्स माइनस 2 माइनस ए, और साथ में इसी का डेरिवेटिव आएगा, तो इसका डेरिवेटिव होगा 6x प्लस ए, और बाकी पार्ट क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। तो ये आपका क्या है, एफ डैश एक्स। तो यहाँ पर देखिए, इस a से a कट जाएगा, और क्योंकि x इक्वल टू 1 पर इसका क्रिटिकल पॉइंट है, तो अनडिफाइंड तो हो नहीं सकता क्योंकि न्यूमरेटर के अंदर है, तो इसको जीरो होना पड़ेगा। तो जब आप इसमें x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो ये जीरो होना चाहिए, तो यहाँ से आपको a मिलेगा। तो देखिए a की वैल्यू कितनी आ रही है, ये तो कभी जीरो हो नहीं सकता, इसमें 1 पुट करेंगे तो आएगा 3 प्लस a माइनस 2 प्लस 6 विल बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको a की वैल्यू मिलेगी 6 प्लस 3 9, 9 माइनस 2 दैट इज 7, सो a विल बी इक्वल टू माइनस 7। a की वैल्यू माइनस 7 है, तो ये पुट करने के बाद में अब आपको देखना है कि इसके जो दो क्रिटिकल पॉइंट्स है वो क्या क्या होंगे, क्योंकि एफ डैश एक्स आपका दो पॉइंट्स पर जीरो होगा। तो एक पॉइंट देखिए यही आना है वापस, क्योंकि x इक्वल टू 1 पर ये जीरो हो रहा है, और एक फैक्टर आपका और मिलेगा, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो इसमें माइनस 7 पुट करें पहले, तो जब माइनस 7 इसमें पुट करेंगे तो ये बनेगा एफ डैश एक्स विल बी इक्वल टू 3x² माइनस 7 पुट किया तो माइनस 7x प्लस 6x, सो देयर विल बी माइनस एक्स और माइनस 2, ये एफ डैश एक्स आ जाएगा। साथ में e की पावर x भी है, वो भी रहेगा, लेकिन वो कभी जीरो होगा नहीं, तो उसके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा ज्यादा। इसके फैक्टर किए तो एक फैक्टर तो यही आना है, देखिए x माइनस 1, और दूसरा फैक्टर क्योंकि प्रोडक्ट नेगेटिव है तो पॉजिटिव में आएगा, सो 3x प्लस 2 आना चाहिए, एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है, मल्टीप्लाई करके 3x² यहाँ से आएगा आपके सामने प्लस 2x, और यहाँ से आपके सामने आएगा माइनस 3x, तो कितना हो जाएगा माइनस का x, और साथ में आएगा आपके सामने माइनस 2, तो ये आपका चेक क्या सही है। तो माइनस 2 बाई 3 और 1 दो क्रिटिकल पॉइंट्स आ रहे हैं आपके सामने, एक है माइनस 2 बाई 3 और दूसरा है 1, इधर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये साइन आपको क्या बताते हैं कि इस इंटरवल में आपका फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, नेगेटिव साइन वाला डिक्रीजिंग और वापस प्लस वाला फिर से इंक्रीजिंग। तो अगेन देखिए ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है नहीं कर रहा, मैं इस बात पे यहाँ पर बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो भी फंक्शन होगा इधर से जब आप जाएंगे, ठीक है, तो पहले वो इंक्रीज होगा, फिर वो डिक्रीज होगा, फिर वो इंक्रीज होगा। अब ये एक्स एक्सिस के नीचे भी रह सकता है, ऊपर भी जा सकता है, हमें उससे कुछ ज़्यादा लेना देना नहीं है, हमें ये चेक करना है बस ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है या पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, लोकल मिनिमा या लोकल मैक्सिमा। तो ग्राफिकली हमें दिखाई दे रहा है ये लोकल मैक्सिमा होगा और ये लोकल मिनिमा होगा। तो एक्स इक्वल टू 1 आपका लोकल मिनिमा है, एक्स इक्वल टू 1 क्या है, लोकल मिनिमा, और एक्स इक्वल टू माइनस 2 बाई 3 आपका क्या है, लोकल मैक्सिमा। तो आपका जो फोर्थ ऑप्शन होगा इस तरीके से वो क्या है, आपका सही आंसर है, क्लियर है। तो इस तरीके से आपको इसको टैकल करना है। इसके आगे आप इसका डबल डेरिवेटिव भी निकाल सकते हो, लेकिन देखिए आपको मोनोटोनिसिटी से पता चल जाता है, ठीक है, कि आपका कौन सा पॉइंट मिनिमा होगा, कौन सा मैक्सिमा होगा, और ये हमेशा पता चल जाता है, आपको डबल डेरिवेटिव वाले प्रोसेस पे जाने की जरूरत नहीं होती है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए आपसे क्या पूछा है, क्या दिया गया है आपको। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आपको बोला गया कि एक फंक्शन है एफ आर से आर एफ एक्स इक्वल टू दिस, देन एफ के बारे में बताना है कि ये मोनोटोनिक होगा या नहीं होगा किसी भी इंटरवल में जो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। तो चलिए बात करते हैं, सबसे पहले मॉड एक्स दे रखा है तो हमने इसको ब्रेक कर लिया दो पार्ट्स में, ठीक है, और ब्रेक कैसे करते हैं आप सबको पता होगा, मॉडुलस ब्रेक होता है जब वो जीरो होता है, तो x इक्वल टू जीरो पे ब्रेक होगा, जब x जीरो से छोटा होगा तो ये माइनस साइन के साथ खुलेगा, तो ये हो जाएगा आपका x साइन 1 बाई एक्स और साथ में आएगा माइनस का 2x। ऐसे x इक्वल टू जीरो पर तो आपको जीरो दे ही रखा है, और x जब जीरो से ग्रेटर होगा तो इसकी वैल्यू आएगी आपके सामने, ये प्लस साइन के साथ खुलेगा, तो उस केस में ये हो जाएगा 2x माइनस एक्स साइन 1 बाई एक्स, ठीक है ना, ये आपका फंक्शन है। मोनोटोनिसिटी के लिए वही चीज, आपको इसका डेरिवेटिव करना है और आफ्टर डेरिवेटिव देखना है कि इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग, तो वो पता चलेगा उसकी वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव उसी की हेल्प से। तो देखते हैं इसका डेरिवेटिव कितना आ रहा है, एफ डैश एक्स की वैल्यू आएगी यहाँ से, एफ डैश एक्स विल बी इक्वल टू एक्स का डिफ्रेंशिएशन किया 1, तो सो दैट विल बी साइन 1 बाई एक्स एज इट इज, इसी के साथ में साइन 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो ये आएगा एक्स कॉस 1 अपॉन एक्स
और 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव होगा माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और साथ में आएगा आपके सामने यहां पर माइनस 2 और डिवाइड बाई नहीं, इतना ही पार्ट है, ठीक है। इसके साथ में आपको ये जीरो दे रखा है, जब x की वैल्यू जीरो होगी तो इसका डेरिवेटिव जीरो ही होगा, और जब x ग्रेटर देन जीरो है तो ये है आपके सामने 2x माइनस x साइन 1 अपॉन x, तो बस केवल आपके सामने फंक्शन चेंज हो रहा है, ठीक है, बाकी चीजें एज इट इज है। सो यहाँ पर 2 एज इट इज x का डिफ्रेंशिएशन, और इसे माइनस साइन के साथ आ जाएगा जो चीज आपके सामने ऊपर आई थी। सो देयर विल बी साइन 1 अपॉन x, और ये माइनस माइनस क्योंकि यहाँ माइनस आया था तो यहाँ प्लस हो जाएगा, दैट इज एक एक्स कट जाएगा, सो 1 अपॉन एक्स इंटू कॉस 1 बाई एक्स। तो ये फंक्शन आपके सामने आ रहा है। अब देखिए इसके अंदर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि ये पॉजिटिव है और x पॉजिटिव है, तो 1 अपॉन x ये जो बाहर वाला जो पार्ट है ना ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, और देखिए cos 1 बाई एक्स की वैल्यू आपकी ज्यादा से ज्यादा माइनस 1 से 1 के बीच में हो सकती है, और इसकी वैल्यू भी माइनस 1 से 1 के बीच में हो सकती है, क्लियर। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जब x ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है, तो इसमें अगर आप कंपेयर करेंगे तो इसको एक नया फंक्शन लेकर के आप कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है, और बाहर 2 का एडिशन हो रहा है तो ये जो क्वांटिटी है ना ये हमेशा कैसी रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, ठीक है ना, ऑलवेज कैसी रहेगी, पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि 2 और साथ में है 1 अपॉन एक्स इंटू कॉस 1 अपॉन एक्स, और यहां पर सिर्फ आपका कितना है माइनस का साइन 1 अपॉन एक्स, ठीक है। तो ये जो दोनों क्वांटिटीज मिलकर के आपके सामने, क्योंकि देखिए 2 तो रहेगा ही रहेगा, अब ये ज्यादा से ज्यादा ये जो दोनों क्वांटिटीज है ना ये आपस में सॉल्व हो सकती है, तो ये सॉल्व होकर के क्या हो सकता है, जैसे अगर आप थोड़ा सा अगर एनालिसिस करें 0 से 1 के बीच में हो जैसे x हमारा, तो 0 से 1 के बीच में ये क्वांटिटी आपके सामने क्या रहेगी, थोड़ी बड़ी हो जाएगी, तो ये क्वांटिटी अगर बड़ी होगी तो इसके साथ में ये नंबर है, ठीक है, तो इसके साथ में ये पॉजिटिव ही आपके सामने इस तरीके से चलती रहेगी। ऐसे ही ऊपर वाले के अंदर अगर हम बात करेंगे तो क्योंकि ये टर्म नेगेटिव में, ये टर्म नेगेटिव के अंदर, सिर्फ ये वाली टर्म पॉजिटिव में है, तो ये है तो हमेशा इस टाइप की, लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत है हमारी, और वो दिक्कत क्या है कि जब जब आपके सामने ये जो कॉस 1 अपॉन एक्स वाली जो क्वांटिटी है, ठीक है, जिसे पाई पाई 2 का मल्टीपल्स बनेगी, ठीक है, तो उस केस में अच्छा दिक्कत तो वहां पर भी कुछ नहीं क्योंकि ये 2 में से सब्ट्रैक्ट हो रही है, तो ये क्वांटिटी जो रहेगी ना ये हमेशा ही आपकी पॉजिटिव रहेगी, और ये वाली जो क्वांटिटी है आपकी ये हमेशा ही कैसी रहेगी, नेगेटिव रहेगी, ठीक है। तो ये फंक्शन आपका, हम ये कहेंगे कि अगर दोनों के केस के अंदर अगर बात करें, ठीक है ना, ये वाला केस प्लस ये वाला केस, ठीक है, तो इसके अंदर आपका क्या होगा, नॉट मोनोटोनिक ऑन माइनस इंफिनिटी से 0 एंड 0 से इंफिनिटी, ठीक है, दोनों के अंदर, क्योंकि यहां पर तो ये फंक्शन डिक्रीजिंग है और यहां पर ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, और मोनोटोनिक का मतलब क्या हुआ कि वो फंक्शन वहां पर आपका कैसा होना चाहिए, हमेशा इंक्रीजिंग ही होना चाहिए, ठीक है। तो ऑल ओवर, क्योंकि सिर्फ हम इसमें देखिए ओनली वर्ड लगा हुआ है, तो सिर्फ ओनली ये लिखा हुआ है, ठीक है, कि मोनोटोनिक ऑन दिस ओनली, ठीक है, या मोनोटोनिक ऑन दिस ओनली, ठीक है, तो कुछ पार्ट में पॉजिटिव है और कुछ में नेगेटिव, तो ऑल ओवर अगर हम ऑप्शंस की बात करेंगे तो ये ऑप्शन हमारा सही होगा कि नॉट मोनोटोनिक ऑन दिस इंटरवल एंड दिस इंटरवल, क्योंकि दोनों इंटरवल को अगर एक साथ हम मिला लें तो फिर ये मोनोटोनिक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एफ डैश एक्स नेगेटिव आ रहा है और यहाँ पर एफ डैश एक्स क्या आ रहा है, आपका पॉजिटिव आ रहा है, तो इस तरीके से आपका सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या दिया है आपको, मैक्सिमम स्लोप ऑफ द कर्व दिस अकर्स एट द पॉइंट, इसके स्लोप की मैक्सिमम वैल्यू कौन से पॉइंट पे होगी। सो चलिए बात करते हैं, dy by dx कितना आएगा, यहाँ पर dy by dx आएगा 4x cube by 2, so there will be 2x cube minus 10x square plus 18x minus 19, 36x minus 19, क्लियर। लेकिन आपको dy by dx पर नहीं रुकना है क्योंकि आपको इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछी है, तो आपको इसको एक बार फिर डेरिवेटिव करना पड़ेगा, सो d2y by dx square निकालिए और वो आएगा आपके सामने 6x square minus 20x plus 36, क्लियर। यहां से आपके सामने कितना कॉमन आ रहा है, अच्छा यहाँ पर 5 minus 3 कितना था, 15 था, तो ये 30 हो जाएगा ना, 30x plus 36, तो यहां से देखिए 6 कॉमन लेने से कितना आएगा, x square minus 5x plus 6,
तो इसके फैक्टर्स आ रहे हैं x माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री। तो आपके जो दो पॉइंट्स आएंगे, एक होगा 2 और दूसरा होगा 3, इधर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो ग्राफ आपका यहाँ पर इंक्रीजिंग होगा, यहाँ डिक्रीजिंग, फिर इंक्रीजिंग। तो मैक्सिमा कहाँ पर आएगा आपका? मैक्सिमा इस वाले पॉइंट पे आएगा। अच्छा, मैक्सिमम वैल्यू क्या स्लोप की इसी पॉइंट पे हो सकती है या और भी किसी पॉइंट पे हो सकती है? तो आगे और भी आ सकती है किसी पॉइंट पे, लेकिन जो हमें ऑप्शंस दे रखे हैं ना उसके करस्पॉन्डिंग जो है वो आपका x इक्वल टू 2 ही होगा, क्योंकि तो इसके पहले इससे कम होगी, इसके बाद में भी इससे कम होगी, लेकिन 3 के बाद में ज्यादा होगी, लेकिन 3 के बाद का हमें कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है। क्लियर? तो अकॉर्डिंग टू दी ऑप्शन x इक्वल टू 2 पर मैक्सिमम होगी। लेकिन हम गलती क्या करते हैं यहाँ पर, हम x इक्वल टू 2 पर dy by dx की वैल्यू कैलकुलेट कर देते हैं, लेकिन जो पॉइंट होगा ना वो आपका कर्व पे होगा। मैक्सिमम स्लोप तो आपकी x इक्वल टू 2 पे होगी, लेकिन आपको y की जो वैल्यू होगी ना वो यहाँ से कैलकुलेट करनी है, ना कि आपको यहाँ से कैलकुलेट। बहुत सारे बच्चे इसमें यहाँ से कैलकुलेट करेंगे और उससे आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल फिट बैठेगा, जो कि आपका गलत ऑप्शन होगा। क्लियर? तो इसी के साथ में आप जब x इक्वल टू 2 उस इक्वेशन में पुट करते हैं तो देखिए y कितना आ रहा है। तो वहां से आपका y मिलेगा 16/2 8, साथ में 8 into 5 40, 4 into 18 72 और माइनस 19 into 2 38। तो इसको कैलकुलेट कीजिए कितना आ रहा है। देखे देर विल बी 80 और माइनस 78, आई थिंक y विल बी इक्वल टू 2। तो x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 2, आपका जो सेकेंड ऑप्शन है ना ये सही होगा। इस पॉइंट पर आपकी कर्व के क्या होगी? मैक्सिमम ढाल होगी। ध्यान रखिए ये गलती ना करें कि x इक्वल टू 2 तो आप इसी से निकाल रहे हो, लेकिन आप उसके बाद dy by dx की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हो। ठीक है, dy by dx कैलकुलेट नहीं करना है आपको, उस पॉइंट के ऊपर क्या करनी है, बात करनी है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे पूछा गया है कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द कर्व x माइनस y इक्वल टू 1 एंड द कर्व दिस। अगेन देखिए, आपको सबको पता है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अलोंग द नॉर्मल लाई करती है, तो देखते हैं देखिए कौन सा होगा। सो ये कर्व है आपके सामने ऐसा, वैसे तो हमें जरूरत नहीं है एग्जैक्ट शेप की, तो y इक्वल टू x के पैरेलल एक लाइन है, इसके ऊपर एक पॉइंट देखना है जिससे ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे हो इस लाइन से, तो वो इसके अलोंग द नॉर्मल लाई करेगा। मीन्स इस पॉइंट के इसके ऊपर जो स्पर्श रेखा होगी आपकी, जो टेंजेंट होगी, वो इस लाइन के क्या होनी चाहिए? पैरेलल होनी चाहिए। तो चलिए इसके ऊपर पॉइंट देखते हैं क्या होगा। तो इसको डेरिवेटिव किया, तो इसका डेरिवेटिव किया तो आया 2x विल बी इक्वल टू 2 इंटू dy बाई dx। सो dy बाई dx की वैल्यू कितनी आ गई? देयर विल बी इक्वल टू x1। मान लेते हैं कि वो पॉइंट हमारा x1, y1 है। अब ये स्लोप आपके सामने किसके इक्वल होगी? इस लाइन की स्लोप के इक्वल होगी, क्योंकि dy बाई dx से हमें टेंजेंट की स्लोप मिलती है और इसकी स्लोप हमें दी गई है, दैट विल बी इक्वल टू 1। तो यहां से हमें पता चलेगा कि x1 की वैल्यू कितनी है? 1। इसके बाद फिर से x1, y1 कर्व के ऊपर लाई कर रहा है, तो y1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? There will be x1 square by 2, so there will be 1 by 2. तो y1 आ जाएगा आपका 1 by 2। और ये वैल्यूज आप यूज करके यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर निकालेंगे तो देखिए कितनी आ रही है, 1, 1/2 इस लाइन में पुट की, सो 1 - 1/2 - 1/√2 का मॉडुलस। इसे ये कट जाएगा और आपका फाइनली आंसर आएगा 1/√2। ये आपकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी इस लाइन और इस कर्व के बीच की। इसके अलावा अगर और कोई भी पॉइंट होगा इस कर्व के ऊपर, तो उन सब पॉइंट्स की इस लाइन से जो डिस्टेंस आएगी आपकी, वो क्या आएगी? ज्यादा आएगी। और डिस्टेंस का मतलब हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस से होता है। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा? थर्ड ऑप्शन। सो चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा कि द इंटरवल ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ लैम्डा फॉर विच दिस हैज एग्जैक्टली 1 मैक्सिमा एंड एग्जैक्टली 1 मिनिमा। तो देखिए कैसे पता चलेगा। एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी? एफ ऑफ एक्स की वैल्यू होगी हमारे 1 - cos²x को लिख दिया sin²x लैम्डा टाइम एंड प्लस sin³x। ठीक है ना, sin²x sin x से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा? sin³x। तो देखिए क्या आ रहा है यहाँ से, इसका डेरिवेटिव किया f'x, तो हमें मिलेगा sin²x का डेरिवेटिव 2 times lambda sin x cos x, और साथ में आएगा यहाँ से sin³x, सो इसका 3 sin²x into cos x। तो यहाँ से देखिए sin x cos x कॉमन आ जाएगा,
और उसको साइन 2x में कन्वर्ट कर दिया तो ये बन जाएगा साइन 2x डिवाइड बाय 2 और साथ में आएगा आपके सामने 2 लैम्डा प्लस 3, 2 लैम्डा प्लस साइन x, 2 लैम्डा प्लस 3 साइन x, ठीक है ना, 3 साइन x, ठीक है, क्योंकि यहां से तो साइन x कॉमन आएगा, वहां से साइन x कॉमन आएगा, लेकिन एक साइन x बच जाएगा, सो 3 प्लस साइन x। तो देखिए इसका एग्जैक्टली एक मैक्सिमा और एक मिनिमा आना चाहिए, इसका मतलब क्या होना चाहिए कि ये f डैश x एग्जैक्टली इस इंटरवल में दो पॉइंट पे जीरो होना चाहिए। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं कि बाहर वाला कितने पॉइंट पे जीरो हो रहा है। तो साइन 2x की वैल्यू जीरो होती है आपके सामने कब, जब ये क्या होता है पाई का मल्टीपल हो, और पाई के मल्टीपल्स 2x क्या हो, पाई का मल्टीपल हो। तो माइनस पाई पाई 2 से पाई पाई 2 में पाई के सिर्फ एक ही मल्टीपल होगा और दैट विल बी इक्वल टू जीरो। तो ये तो सिर्फ x इक्वल टू जीरो पर जीरो होगा और कहीं पर भी जीरो नहीं आएगा, क्योंकि वहां पर ओपन इंटरवल है। अगर क्लोज ब्रैकेट होता तब तो ये माइनस पाई पाई 2 और पाई पाई 2 पर भी जीरो हो जाता, बट ओपन इंटरवल में ये और कहीं पर नहीं होगा। तो एक पॉइंट तो हमें वहां से मिल जाएगा, इसके अलावा हमें एक पॉइंट यहां से और चाहिए। तो ये जीरो तब होगा जब आपके सामने साइन एक्स की वैल्यू किसके इक्वल हो जाए, माइनस 2 लैम्डा डिवाइड बाई 3। अब ये जीरो होगा कब, जब ये इसके इक्वल हो जाए, और इसकी वैल्यू कहां से कहां हो सकती है, माइनस 1 से 1 के बीच में। तो अगर साइन एक्स की वैल्यू माइनस 1 से 1 के बीच में है, दैट मीन्स 2 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा बाई 3 ये क्या होना चाहिए आपका, माइनस 1 से 1 के बीच में होना चाहिए। तो यहां से आपको लैम्डा का इंटरवल मिलेगा, लैम्डा बिलोंग टू माइनस 3 बाई 2 से लेकर के 3 बाई 2। लेकिन इसमें देखिए फिर से एक गड़बड़ हो जाएगी, अगर लैम्डा जीरो हो गया तो साइन एक्स की वैल्यू जीरो होगी और वापस आपको एक्स इक्वल टू जीरो ही मिलेगा। तो लैम्डा की वैल्यू बस जीरो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जीरो होने से आपका क्रिटिकल पॉइंट जो पहले वाला है वो रिपीट हो जाएगा और उससे आपको दो क्रिटिकल पॉइंट नहीं मिलेंगे। और उसके अलावा अगर कोई भी वैल्यू आई, अगर साइन एक्स की जो पॉसिबल वैल्यूज होती है माइनस 1 से 1 के बीच में, ठीक है, इसमें से अगर कोई भी इस इंटरवल में से अगर एक पॉइंट अगर आता है, ठीक है, तो वहां पर ये टर्म जीरो होगी और उसके लिए लैम्डा का जो आपका इंटरवल होगा वो क्या आ जाएगा, पहला ऑप्शन माइनस 3 बाई 2 से लेके 3 बाई 2 एक्सेप्ट 0, इसमें से कोई भी अगर एक लैम्डा होता है तो इसके एग्जैक्टली आपके पास में क्या होंगे, आपके सामने एक मैक्सिमा और एक मिनिमा आपको मिलेगा। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या पूछा गया है हमसे। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे बोला गया है, एक सेकेंड, इफ द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू एक्स लॉग एक्स एट द पॉइंट दिस इज पैरेलल टू द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस देन c इज इक्वल टू, चलिए इन दोनों पॉइंट्स को जॉइन करने वाली लाइन की स्लोप तो हम इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है ना, दैट विल बी इक्वल टू e माइनस 0 डिवाइड बाई e माइनस 1, और ये इसकी टेंजेंट की स्लोप है, तो इसकी टेंजेंट की स्लोप हम dy बाई dx से निकाल सकते हैं। देखते हैं कितनी आ रही है, y डैश की वैल्यू मिलेगी या f डैश x की वैल्यू, हमें x का डिफरेंशिएशन 1, सो देयर विल बी log x और साथ में हमें मिलेगा, log x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 अपॉन x, सो x अपॉन x, सो दैट विल बी 1। तो 8.c कॉमा fc ये कितना हो जाएगा, log c हो जाएगा और साथ में प्लस 1। अब देखिए टेंजेंट टू द कर्व एट पॉइंट दिस इज पैरेलल टू द लाइन सेगमेंट दिस, तो इसकी स्लोप और टेंजेंट की स्लोप सेम होगी क्योंकि पैरेलल लाइंस की स्लोप सेम होती है। तो यहां से आपको मिलेगा ln c plus 1 will be equal to e upon e minus 1। तो आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है कि c का मान क्या होगा, तो c का मान आप निकाल सकते हो यहां से, c will be equal to ln c will be equal to हो जाएगा e upon e minus 1, साथ में minus 1 LCM लिया minus e plus 1 डिवाइड बाई ई माइनस 1, तो ये कट जाएगा और हमें मिलेगा 1 अपॉन ई माइनस 1। ये एल एन सी की वैल्यू है, तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई टू दी पावर 1 अपॉन ई माइनस 1। जब लॉग को हटाते हैं तो क्या होता है, इसको लात मारते हैं तो यहाँ से आपको सी की वैल्यू मिल जाती है और उसका बेस उछल करके राइट हैंड साइड में आ जाता है इस नंबर के पास, और आपको कौन सा ऑप्शन सही मिलेगा, ऑप्शन नंबर 4 जो कि आपका सही आंसर है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए हमसे क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 10, फॉर ऑल ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन, ठीक है ना, सभी ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शंस के बारे में हमें डिस्कस करना है आर से आर में, विद एफ ऑफ 0, एफ ऑफ 1 और एफ डैश ऑफ 0, ये सारे के सारे क्या हो, जीरो है, ठीक है,
एफ ऑप, तो कौन सा ऑप्शन सही है इसके बारे में हमें बात करनी है, ठीक है। अच्छा, आर से आर में बोला गया है, लेकिन देखिए फिर से देखिए हमें वैल्यूज कौन सी दी गई है, ये दी गई है, ठीक है। तो देखिए हम रोल्स थ्योरम से क्या कह सकते हैं, जो वैल्यूज दी गई है, ट्वाइस डिफरेंशियबल फंक्शन है, एफ ऑफ जीरो और एफ ऑफ वन की वैल्यूज सेम है और दैट विल बी इक्वल टू जीरो। सो अकॉर्डिंग टू द रोल्स थ्योरम, अगर जीरो से वन के बीच के अंदर अगर कोई भी पॉइंट सी है आपका, सी बिलोंग टू जीरो से वन, तो वहां पर एफ डैश सी क्या होगा आपका, जीरो होगा। एफ डैश सी क्या होगा, जीरो होगा। क्यों? क्योंकि रोल्स थ्योरम यही कहती है कि अगर कोई ट्वाइस कोई भी डिफरेंशियबल फंक्शन है तो कंटिन्यूअस भी होगा उस इंटरवल में, और कंटिन्यूअस और डिफरेंशियबल है और दोनों पॉइंट्स पर अगर वैल्यूज सेम है तो रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल होती है। और रोल्स थ्योरम का स्टेटमेंट ये है कि अगर रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है तो उस इंटरवल में एक पॉइंट ऐसा जरूर होगा जहां पर एफ डैश सी आपका क्या होगा, जीरो होगा। इसके बाद वापस हमें एफ डैश जीरो भी जीरो दे रखा है, तो अगर हम जीरो से सी के अंदर अगर रोल्स थ्योरम लगाएं, क्योंकि सी हमें पता है कि जीरो से वन के बीच में है तो वो पॉजिटिव नंबर होगा, तो जीरो से सी में अगर रोल्स थ्योरम लगाएं, ठीक है, क्योंकि एफ डैश जीरो की वैल्यू जीरो है और एफ डैश सी की वैल्यू पहले स्टेटमेंट से हमें पता है जीरो, तो यहां से हमें एक पॉइंट सी डैश मिलेगा जहां पर एफ डबल डैश सी क्या होगा आपका, जीरो होगा। अब ये क्या कह रहा है, जो ऑप्शन है आपके सारे एफ डबल डैश एक्स में है कि एफ डबल डैश एक्स एट एवरी पॉइंट एक्स बिलोंग टू जीरो से वन में जीरो होगा, तो ये तो हमें नहीं पता, बट हमें ऐसा जरूर पता है कि एटलीस्ट एक पॉइंट ऐसा जरूर होगा जहां पर ये क्या होगा, जीरो होगा। एट एवरी पॉइंट एक्स बिलोंग टू जीरो से वन में नॉन जीरो होगा, तो ये भी गलत बात है क्योंकि एक पॉइंट तो ऐसा जरूर होगा यहां पर जहां पर एफ डबल डैश एक्स जीरो होगा। तीसरा पॉइंट है फॉर सम एक्स बिलोंग टू जीरो से वन, जीरो से वन में कुछ पॉइंट ऐसे होंगे, तो बिल्कुल ये जीरो से सी वाला जो इंटरवल है उसको आप जीरो से वन भी लिख सकते हो क्योंकि ये सी उसी का एक पार्ट है, तो जीरो से वन में कुछ पॉइंट ऐसे जरूर होंगे जहां पर ये आपके कुछ मतलब एक भी अगर होगा तो हमारा काम चल जाएगा, जहां पर एफ डबल डैश एक्स जीरो है तो ये सही बात है, और एफ डबल डैश जीरो हमेशा जीरो है तो ये तो बिल्कुल ही गलत बात है कि वो हमेशा जीरो नहीं है एफ डबल डैश एक्स, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दी डेटा हमें ये पता चल रहा है कि कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जीरो से वन में जहां पर एफ डबल डैश एक्स क्या होगा, हमारा जीरो होगा। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए हमसे क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 11 में हमें बोला गया कि लेट एफ बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन आर माइनस वन से वन एंड एफ एक्स इक्वल टू दिस, ये फंक्शन है, देन इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल फंक्शन एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, तो ये कौन से इंटरवल में ये फंक्शन आपका इंक्रीजिंग होगा इसके बारे में आपको डिस्कस करना है। तो चलिए बात करते हैं, सबसे पहले इसमें लॉग की अगर प्रॉपर्टी लगा दें तो ये बन जाएगा आपके सामने 3 टाइम ln mod x माइनस वन माइनस 3 टाइम ln mod x प्लस वन और साथ में माइनस 2 अपॉन x माइनस वन। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए वो एफ डैश एक्स चाहिए हमें, तो इसको डेरिवेटिव किया तो देखिए एफ डैश एक्स कितना आ रहा है, ये तो एफ एक्स है तो एफ डैश एक्स कितना आएगा, देखिए इसका डेरिवेटिव होगा 3 अपॉन एक्स माइनस वन, इसका होगा माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस वन, मॉड एक्स का डिफ्रेंशिएशन ही 1 अपॉन एक्स होता है एक्चुअली, और इसका होगा 2 अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। इसमें एलसीएम लिया तो एलसीएम आएगा एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, ऊपर देखिए कितना आएगा, x माइनस वन से डिवाइड किया, अच्छा एक x प्लस वन भी आएगा, x माइनस वन से डिवाइड किया तो x माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन, तो यहां पर आएगा 3 टाइम x स्क्वायर माइनस वन, माइनस यहां पर आएगा 3 टाइम x माइनस वन का होल स्क्वायर, और यहां पर x माइनस वन का होल स्क्वायर पूरा कट जाएगा तो ये हो जाएगा 2 टाइम x प्लस वन। तो यहां से देखिए हमें न्यूमरेटर के अंदर एक क्वाड्रेटिक मिल रही है और डिनोमिनेटर में भी दो फैक्टर है और इन तीनों के ऊपर आपका एफ डैश एक्स डिपेंड करेगा, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं देखते हैं कितना आ रहा है, 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, इसके बाद देखिए इधर से आएगा माइनस का 3, पहले x की टर्म देख ले कितना आएगा, माइनस 2x इंटू माइनस 3 दैट इज प्लस 6x और साथ में 2x तो ये मिलके हो जाएगा 8x, यहां से कॉन्स्टेंट टर्म माइनस 3 और यहां से भी कॉन्स्टेंट टर्म माइनस 3 कैंसिल आउट, काम खत्म, यहां पर बचेगा प्लस 2 और डिवाइड बाय साथ में आपके सामने क्या है, एक बार चेक कर ले दोबारा क्रॉस वेरीफाई कहीं कोई गड़बड़ नहीं हुई हो, ठीक है, क्योंकि पूरा डेटा आपका फिर पूरी कैलकुलेशन चेक करनी पड़ जाएगी, ठीक है, 3 टाइम एक्स स्क्वायर माइनस वन
माइनस थ्री टाइम एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, और साथ में क्योंकि एक्स प्लस वन कैंसिल आउट हुआ वहां पर एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर कैंसिल आउट होगा, सो एक्स प्लस वन, सो टू टाइम एक्स प्लस वन। सिंप्लीफाई किया, थ्री एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से आएगा हमारे सामने माइनस का, यहाँ से प्लस वन और इंटू माइनस थ्री, और यहाँ से भी माइनस थ्री। देखो अभी गड़बड़ कर लेते ना, यहाँ से भी माइनस थ्री और यहाँ से भी माइनस थ्री, दैट इज माइनस सिक्स और प्लस टू, तो ये कितना होगा, यहाँ पर आपके सामने माइनस का फोर आएगा, और डिवाइड बाई एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर और डिवाइड इंटू एक्स प्लस वन। चलिए ये आपका रहा डेटा आ गया, अब हमें देखना है कि ये कहाँ पॉजिटिव और कहाँ नेगेटिव होगा, तो यहाँ देखते हैं। देखिए थोड़ा सा ऊपर देख लीजिए, तीन नंबर से हमारे सामने, एक आ रहा है माइनस वन, हर नंबर को पुट करना होता है, डिनोमिनेटर हो या न्यूमरेटर, माइनस वन, इसके अलावा वन बाई टू और इसके अलावा वन, यहाँ पॉजिटिव। वन वाला जो फैक्टर है वो यहाँ से आ रहा है, इस पर साइन चेंज नहीं होगा, यहाँ पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि पावर इवन है, वन बाई टू पे चेंज होगा और यहाँ पर भी वापस आएगा। तो देखिए कहाँ से कहाँ रहेगा, सबसे पहले तो जहाँ इंक्रीजिंग की बात करनी है तो माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन तक आंसर लिखे, तो माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन तक इंक्रीजिंग रहेगा। इसके बाद में वन बाई टू से लेके वन तक, वन बाई टू ऊपर है तो वन बाई टू से लेकर के हमारा इन्फाइनाइट तक कैसा है, पॉजिटिव है, लेकिन एक पॉइंट हमें छोड़ना है क्योंकि एक्स इक्वल टू वन पर क्या होगा, अनडिफाइंड होगा, तो वहाँ पर उस पॉइंट को हमें सबट्रैक्ट कर देना है, एक्स इक्वल टू वन, जीरो नहीं वन। तो ये आपका आंसर है, और आई थिंक ऐसा जो ऑप्शन है वो आपका पहला ऑप्शन है जो कि सही आंसर है। ये तरीका होता है मोनोटोनिसिटी चेक करने का, एफ डैश एक्स निकालते हैं और देखते हैं कि कहाँ पॉजिटिव होगा और कहाँ पे नेगेटिव होगा, तो पहला ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए क्या बोला गया है आपसे, क्वेश्चन नंबर 12 में आपको बोला गया कि इफ द रॉल्स थ्योरम होल्ड ऑन द फंक्शन दिस 1 टू 2, अगर 1 से 2 के अंदर इसमें रॉल्स थ्योरम एप्लीकेबल है, एफ डैश 4 बाई 3 अगर 0 है तो ऑर्डर्ड पेयर ए कोमा बी क्या होगा। तो देखिए अगर 1 से 2 के अंदर अगर रॉल्स थ्योरम इसमें एप्लीकेबल है तो सबसे पहले तो एफ ऑफ 1 और एफ ऑफ 2 आपके सामने क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, तो यहाँ से आपको एक कंडीशन मिलेगी उसका यूज करेंगे, और दूसरी कंडीशन कि 1 से 2 में एक पॉइंट ऐसा होगा जहाँ पर एफ डैश एक्स 0 होगा, जो कि 4 बाई 3 आपको 1 से 2 में दिया हुआ है, मीन्स एफ डैश ऑफ 4 बाई 3 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। ये दो कंडीशन है, इन दोनों को सॉल्व करना है और यहाँ से जो भी आंसर आएगा उसको चेक करना है कि वो आपका सही आंसर है या नहीं। सो चलिए बात करें एफ ऑफ 1 की, अगर बात करें तो हमें मिलेगा 1 माइनस ए प्लस बी माइनस 4, और ये एफ ऑफ 2 के इक्वल है तो 2 की जब बात करेंगे तो आएगा 8 माइनस 4 ए और साथ में आएगा 2b माइनस 4, ठीक है। ये आपका क्या है एफ ऑफ 1 और एफ ऑफ 2, देखते हैं कितना मिल रहा है, 4a को इधर ले आए सो दैट विल बी 3a, इसको भी इधर ले आए माइनस बी, और बाकी डेटा को सिंप्लीफाई किया तो ये तो देखिए कैंसिल आउट हो गया, माइनस 4 से प्लस 4, तो 1 को इधर ले आए सो दैट विल बी इक्वल टू 7 और इक्वेशन नंबर 1। एफ डैश ऑफ 4 बाई 3 की बात करें सो 3x स्क्वायर, सो 3 इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की जगह 4 बाई 3 पुट करना है सो देयर विल बी 16 बाई 9, ठीक है ना, 16 बाई 9, ठीक है ना, 4 बाई 3 माइनस 2 ए एक्स, सो माइनस का 2 ए एक्स की जगह पे 4 बाई 3 और प्लस बी विल बी इक्वल टू 0। यहाँ से देखते हैं कितना मिल रहा है, एक 3 कट जाएगा तो यहाँ से आएगा 16 माइनस 8a प्लस 3b विल बी 0, b की जगह वहां से वैल्यू पुट कर दी 3a माइनस 7, तो देखिए 16 माइनस 8a प्लस 3 और b की जगह पर 3a माइनस 7 दैट विल बी इक्वल टू 0। तो यहां से देखिए आपका a आएगा, a की वैल्यू कितनी आ रही है 16 माइनस 7, सो 16 माइनस 7 हो जाएगा आपके सामने 9 और साथ में आ जाएगा प्लस a विल बी इक्वल टू 0, 16 माइनस 7 नहीं माइनस 7 नहीं माइनस 21, हाँ थोड़ा सा सही कीजिए कैलकुलेशन, ए आएगा इधर ए और साथ में आएगा 16 माइनस 21, सो 16 माइनस 21 कितना होगा माइनस 5, सो ए की वैल्यू कितनी आ रही है 5 आ रही है आपकी, ठीक है, और ए की वैल्यू 5 आपकी दो ऑप्शंस में दी गई है, ए को जब 5 पुट करेंगे तो ये आएगा 15 माइनस 7
दैट विल बी इक्वल टू बी, तो यहाँ से बी की वैल्यू मिलेगी आपको 8। तो ये आपका सही आंसर है, ए की वैल्यू 5 और बी की वैल्यू 8, और ऐसा आपका कौन सा ऑप्शन है, सेकेंड ऑप्शन जो कि सही होगा। देखिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आया है रॉल्स थ्योरम्स पर, कि रॉल्स थ्योरम एप्लीकेबल है तो ए कॉमा बी क्या होगा, तो रॉल्स थ्योरम की दोनों कंडीशंस लगा दी, एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी और एफ डैश ऑफ सी विल बी 0, दोनों से आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो गया। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 13 में आपको बोला गया है कि इफ ए कर्व पास थ्रू द ओरिजिन एंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट एनी पॉइंट विल बी दिस, अगर किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट की स्लोप ये है, देन दिस कर्व आल्सो पास थ्रू द पॉइंट, तो ये इसमें से और कौन से पॉइंट से पास करेगा। तो एक्चुअली तो ये क्वेश्चन आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का हो गया, आपको dy by dx दे रखा है, दैट विल बी इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 4x, और साथ में है आपके सामने प्लस y प्लस 8 और डिवाइड बाय x माइनस 2, ऐसा ही कुछ है ऊपर भी, देखिए ऐसा ही कुछ आ रहा है, तो हम उसी तरीके का बनाने की कोशिश करते हैं। देखे ऊपर आएगा आपके सामने x स्क्वायर माइनस 4x, इसको लिख दिया x माइनस 2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय x माइनस 2, और साथ में कितना बचेगा, 4 यूज हो चुका है, सो y प्लस 4 डिवाइड बाय x माइनस 2। तो देखिए एक x माइनस 2 कट जाएगा वहां से, ठीक है, तो उसको काट देते हैं और बाकी पार्ट को उधर ले आते हैं, तो आपको मिल रहा है यहां से dy by dx, ठीक, वैसे तो आप इसको वैसे भी कर सकते थे, ठीक है ना, कैसे परफेक्ट डिफरेंशिएशन बना के, बट चलिए मैं आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से बता रहा हूँ कि कैसे करना है, ठीक है। सो चलिए बात करते हैं परफेक्ट से कैसे करते, परफेक्ट से आपके सामने x माइनस 2 का होल स्क्वायर था, चलिए लीनियर से आप कर लोगे, मैं परफेक्ट से बता देता हूँ, वो थोड़ा बेटर रहेगा आपके लिए, क्योंकि लीनियर का तो फिक्स प्रोसेस चलता है। तो देखिए परफेक्ट डिफरेंशिएशन से कैसे करेंगे, x माइनस 2 का होल स्क्वायर बनाइए उसको, तो ये बनेगा dy by dx will be equal to x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 4 डिवाइड बाय x माइनस 2। तो देखिए कैसे करेंगे, इस x माइनस 2 को इधर dy की तरफ लेके आइए, तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा आपका x माइनस 2 into dy, साथ में क्योंकि वहां पर y की टर्म है, ठीक है, तो उसको इधर ले आते हैं, ठीक है, 4 को चाहो तो आप उधर भी रख सकते हो, चाहो तो इधर ला सकते हो, ठीक है, वो आपकी इच्छा है, ठीक है, लेकिन x माइनस 2 इंटू डी वाई इधर था, तो वहां से हम पूरे को ही इधर ले आते हैं ताकि पूरा ही एक साथ आ जाए, सो y प्लस 4 इंटू डी एक्स और विल बी इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब लेकिन देखिए इसमें क्या है आपके सामने, क्योंकि देखिए हाँ उसको इधर लेके आएंगे तो यहाँ पर माइनस साइन आएगा, और दोनों डिफ्रेंशिएशन के बीच में माइनस साइन आ रहा है, तो हमें साथ में डिवाइड में एक टर्म का स्क्वायर भी चाहिए, और क्योंकि हमें x माइनस 2 का स्क्वायर दिया हुआ है, तो इसी को इधर ले आते हैं, और राइट हैंड साइड में रह जाएगा सिर्फ आपके सामने dx। अब आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, तो ये देखिए आपके पास सामने परफेक्ट डिफरेंशिएशन बन गया है, और ये किस चीज का डिफरेंशिएशन है, ये डिफरेंशिएशन है आपका ऊपर y, पहले y का डिफरेंशिएशन हुआ है, लेकिन y के साथ में y प्लस 4 यूज करना है, और x के साथ में x माइनस 2, ये इस चीज का डिफरेंशिएशन है, आप करके देख सकते हैं, y प्लस 4 का डिफरेंशिएशन dy इंटू x माइनस 2 माइनस x माइनस 2 का डिफरेंशिएशन dx इंटू y प्लस 4 डिवाइड बाई x माइनस 2 का होल स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा x प्लस c। x और y को अगर आप 0,0 पुट करेंगे तो देखिए y प्लस 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y प्लस 4 की वैल्यू आ जाएगी x, और x और y को 0,0 पुट करेंगे तो यहाँ से c की वैल्यू आएगी माइनस 2, तो ये हो जाएगा x इंटू x माइनस 2, और साथ में c की वैल्यू माइनस 2 आई इंटू x माइनस 2, तो ये बन गया आपके सामने x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब देख चेक कर लीजिए कि कौन सा पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो आई थिंक मेरे हिसाब से फोर्थ ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा, अगर x की वैल्यू 5 पुट करेंगे तो 9 आएगा, और 9 में से 4 को सबट्रैक्ट करोगे तो y की वैल्यू भी 5 आएगी, तो फोर्थ ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा। सो चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, और क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या दिया है, देखिए जैसे पिछला क्वेश्चन था वैसा ही है ऑलमोस्ट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन टू कर्व एट एनी पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई विल बी दिस, सो dy by dx की वैल्यू दी गई है आपको, और ये किसके इक्वल है, एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई डिवाइड बाई एक्स। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं, पहले क्या आ रहा है, देखिए
तो यहां से आएगा एक्स डी वाई विल बी इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस वाई डी एक्स। देखिए सबसे पहले वही परफेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं। तो एक्स डी वाई और वाई डी एक्स हमारे पास में दो टर्म है, तो दोनों को एक साइड किया, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स डिवाइड बाई, क्योंकि डिफरेंस है तो हमें चाहिए, उधर वाई स्क्वायर दिखाई दे रहा है तो वाई स्क्वायर को उधर ले आते हैं, इधर ले आते हैं, ताकि इसका डिफरेंस इंटीग्रेशन भी इजीली हो जाए और ये भी इजीली इंटीग्रेट हो पाए। लेकिन इसमें देखिए ऊपर वाई का डिफरेंशिएशन और नीचे वाई स्क्वायर है, तो एक्चुअली हमारे सामने ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव होना चाहिए, तो इसके बाहर एक माइनस साइन लगा देते हैं। अब देखिए ऊपर x का डिफरेंशिएशन और नीचे y स्क्वायर है ही आपके सामने, तो ये डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस एक्स अपॉन वाई का, ठीक है। राइट हैंड साइड का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी, क्योंकि ये इसका डिफरेंशिएशन है तो आपको दोनों ही काम नहीं करने, ये सीधा इंटीग्रेट हो गया, डिफरेंशिएशन दे रखा है, इंटीग्रेशन करना है कुछ मत कीजिए, सीधा लिख दीजिए किस चीज का डिफरेंशिएशन है। यहां से आपको सी निकालना है, इसके लिए आपको दिया गया है कि ये कर्व उसको उस पॉइंट पे कट कर रहा है जब ये इस लाइन के साथ में एक्स इक्वल टू माइनस टू का इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो इसमें अगर एक्स की वैल्यू में माइनस टू पुट करता हूं तो देखिए वाई कितना आ रहा है, टू वाई की वैल्यू आ जाएगी फोर माइनस एक्स, सो देयर विल बी प्लस टू, सो वाई की वैल्यू आ जाएगी थ्री। तो आप इसके अंदर एक्स को माइनस टू और वाई को क्या पुट कर दे, थ्री पुट कर दे, तो देखिए कितना आ रहा है, ये हो जाएगा प्लस टू डिवाइड बाई थ्री विल बी इक्वल टू फोर डिवाइड बाई टू प्लस सी, तो सी की वैल्यू आ गई टू बाई थ्री माइनस टू, सो माइनस सिक्स, सो देयर विल बी माइनस फोर बाई थ्री। अब आपको क्या करना है, आपको वो वाई निकालना है जब एक्स आपका कितना है थ्री, तो ये भी सॉल्व कर लीजिए, एक्स को थ्री पुट कर दीजिए इसमें, तो ये आ जाएगा देखिए माइनस थ्री अपॉन वाई विल बी इक्वल टू नाइन बाई टू माइनस सी, सी की वैल्यू है माइनस फोर बाई थ्री। इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं y कितना आ रहा है, तो LCM लिया, LCM आएगा 6, तो यहाँ पर आएगा 27 माइनस 8 और इधर है आपके सामने माइनस 3 अपॉन y, सो माइनस का 18 विल बी इक्वल टू 27 माइनस 8 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 19y, सो यहाँ से y की वैल्यू आ गई आपकी माइनस 18 बाई 19, यही आपका आंसर है और ऐसा पॉइंट आपको बिल्कुल दिया गया है, माइनस 18 बाई 19 ये वाई की वैल्यू है, क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट है देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 15, और क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए क्या बोला गया है, 15 में हमें बोला गया कि ये फंक्शन कौन से इंटरवल में इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होगा। तो चलिए बात करते हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए, वही आपको एफ डैश एक्स निकालना है अकॉर्डिंग टू दी अप्रोच, एफ डैश एक्स कितना आ रहा है, 4x क्यूब का डिफरेंशिएशन किया, सो 12x स्क्वायर बाय 6, सो दैट विल बी इक्वल टू 2x स्क्वायर, माइनस का 6x बाय 6, सो देयर विल बी माइनस x, माइनस 2 साइन x का cos x, यहां से 2x cos x के अंदर cos x का करेंगे तो प्लस का 2x cos x, 2x माइनस 1 के अंदर किसका कर दिया हमने, 2x का डिफरेंशिएशन कर दिया, तो 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है ना, cos as it is, और उसके बाद में 2x minus 1 as it is, और cos x का डिफरेंशिएशन minus sin x, तो इस बार ये आएगा minus 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 2x sin x, और साथ में कितना आ जाएगा, minus minus plus हो जाएगा, so there will be sin x, तो ये आ जाएगा। अब देखिए ऐसा हमारे सामने क्या पार्ट आ रहा है, तो 2 cos x से माइनस 2 x cos माइनस 2 cos x तो कट जाएगा, बाकी जो पार्ट है वो एज इट इज रहेगा। तो यहाँ से और यहाँ से देखिए x कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, सो 2x को कॉमन लिया तो पीछे बचेगा x माइनस साइन x। इसी के अलावा इसमें से और इसमें से माइनस का 1 कॉमन आया तो ये भी x माइनस साइन x, तो इसके साथ में ये आ गया आपके सामने 2x माइनस 1 इंटू x माइनस साइन x। अब देखिए हमें ग्राफिकली पता होता है x हमेशा sin x से बड़ा होता है, ठीक है ना, आपने लिमिट के अंदर भी ये चीज़ें पढ़ी होगी, ठीक है ना, x का जो ग्राफ होता है ना वो हमेशा sin x से ऊपर होता है, तो ये क्वांटिटी ऑलवेज कैसी रहेगी, पॉजिटिव, ठीक है। तो अगर हमारे पास में सिर्फ इसके ऊपर डिपेंड करेगा कहाँ पॉजिटिव कहाँ नेगेटिव होगा, सो 1/2 इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, सो 1/2 के बाद में इंक्रीजिंग होगा और 1/2 के पहले आपका डिक्रीजिंग है, तो पहला ऑप्शन है 1/2 से इन्फिनिटी में इंक्रीजिंग, ये सही है, वैसे तो एक सही हो गया तो बाकी सब गलत होने चाहिए, चेक कर लेते हैं,
वन बाई टू तक डिक्रीजिंग नहीं है, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से लेके 1/2 तक डिक्रीजिंग, ठीक है, ये ऑप्शन भी आपका सही होगा। क्यों? क्योंकि 1/2 ही वहां पर आ रहा है, इंक्रीजिंग इन माइनस इन्फिनिटी से 1/2, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है ना, क्यों 1/2 के बाद इंक्रीजिंग है और ये कह रहा है कि डिक्रीजिंग है 1/2 से इन्फिनिटी, ठीक है, तो ये आपके सामने क्या हो गया, गलत हो गया। तो एक्चुअली इसका आपका पहला और दूसरा, ठीक है ना, दोनों ऑप्शन सही है, ठीक है। तो अगर दो ऑप्शन जब भी सही होते हैं, ठीक है, तो आप दोनों में से किसी भी एक के अंदर अगर क्लिक करते हैं तो वो ऑप्शन आपका क्या हो जाता है, सही हो जाता है, क्लियर। तो यहां पर आपका पहला और दूसरा दोनों ऑप्शन क्या है, सही है। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। और क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए क्या है, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 16, हाँ ये तो हो गया, क्वेश्चन नंबर 16 ये है आपका। हाँ चलिए बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 में आपको दिया है कि इफ पॉइंट पी इज द पैराबोला विच इज क्लोजेस्ट टू द स्ट्रेट लाइन। देखिए बहुत क्वेश्चंस कर चुके हैं हम, ठीक है, अगेन एक लाइन है जिसके सबसे पास में एक पॉइंट कौन सा होगा इस कर्व के ऊपर, तो वो होगा जो अलोंग द नॉर्मल होगा, और अलोंग द नॉर्मल मीन्स इस पॉइंट पर जो स्पर्श रेखा टेंजेंट होगी वो इस लाइन के पैरेलल होनी चाहिए, y इक्वल टू 4x-1, यही कंडीशन लगती है हर बार, यहाँ पर भी वही लगेगी। डिफरेंशिएशन किया सो dy by dx आ जाएगा आपके सामने, देयर विल बी 2x + 0, 8.x1, y1 2x1, और ये किसके इक्विवेलेंट होना चाहिए, 4 के इक्विवेलेंट, सो x1 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 2, x1 की वैल्यू 2 अगर हम पुट करेंगे, वैसे इससे तो x1 एक ही पॉइंट पे है 2, बट इसको अगर पुट करेंगे तो y की वैल्यू 8 आएगी, तो फोर्थ ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा। देखिए इसमें जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा स्पर्श रेखा ही दी जाए, टेंजेंट ही दी जाए, कुछ भी दिया जा सकता है, बट आपको इसकी जगह पर जैसे स्ट्रेट लाइन इसके पैरेलल है या इसके क्लोजेस्ट है, ठीक है, जो डेटा दिया गया ना उसी के साथ में आपको क्या करना है, उसको कंपेयर करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए क्या बोला गया है आपसे, क्वेश्चन नंबर 17 में आपको बोला गया कि फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व द लाइन दिस इज द टेंजेंट एट द पॉइंट। ये देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन आपसे अलग पूछा गया है, ऐसे क्वेश्चंस को देखिए कैसे करते हैं, कि ये जो स्पर्श रेखा है, ठीक है, ये जो टेंजेंट, ये जो इक्वेशन है, ये इसमें से किस कर्व की टेंजेंट है। तो इसको करने का एक तरीका तो ये हो सकता है कि आप 1/1 कर्व लें और वहां से चेक कर लें कि ये कौन सी आपके सामने टेंजेंट हो सकती है, क्लियर है। इसके अलावा और क्या ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि देखिए आपको एक लाइन दे रखी है और आपको एक पॉइंट दे रखा है, ठीक है, तो यहां पर आप क्या कर सकते हो, फैमिली ऑफ द कर्व का कॉन्सेप्ट लगा सकते हो, लेकिन एक्चुअली आपको कर्व पता नहीं वहां पर, ठीक है, तो सबसे बेस्ट तरीका यही रहेगा कि आप ऑप्शन से, क्योंकि 8th पॉइंट बोला गया है और 8th पॉइंट पर जब भी कहा जाए तो आप t = 0 लगा करके इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट निकाल सकते हैं। तो पहले इस पॉइंट से अगर पहले कर्व पर अगर हम टेंजेंट की बात करें t = 0 से, जो हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ते हैं, क्योंकि सारे कर्व उसी के हैं, तो आप उसी से चेक कर सकते हैं। तो 3√3/2 टाइम एक्स प्लस 9y (y1) दैट इज 1/2, और ये किसके इक्वल होना चाहिए, 9 के इक्वल होना चाहिए। तो देखिए यहाँ से कितना आ रहा है, देखे 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से डिवाइड कर दिया और साथ में √3 से भी डिवाइड कर दिया, तो यहाँ बचेगा एक्स, यहाँ पर √3y और इक्वल टू में 2√3। तो आपकी किस्मत अच्छी इतनी है कि देखिए पहले ही ऑप्शन में आपको मिल गया, तो बाकी ऑप्शंस में आपको चेक करने का जरूरत नहीं है, ये टेंजेंट इसके इक्वल आ रही है, दैट मीन्स यही कर्व होगा जिसके इस पॉइंट पर स्पर्श रेखा का समीकरण ये होगा। अब किसी को ये लगे कि इसके अलावा भी तो आ सकता है, तो आप चेक कर लीजिए, ठीक है, अगर आपको ये लग रहा है कि मैंने जो किया वो मेरा गलत है, ठीक है, आपको अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस है तब आपको करने की जरूरत है, और अगर आपको लग रहा है कि मैंने सही किया है, मेरे अप्रोच में कोई गलती नहीं, तो आपको टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्या है देखिए क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर आपको बोला गया है कि फॉर एफ बी एनी फंक्शन डिफाइंड ऑन आर एंड लेट इट इज सेटिस्फाई दिस कंडीशन, अगर इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है वो आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं, मॉड एक्स माइनस वाई को नीचे लेके आए तो ये बनेगा एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई डिवाइड बाई एक्स माइनस वाई का मॉडलस विल बी लेस देन और इक्वल टू
मॉड ओवर एक्स माइनस वाई एक बच जाएगा, दोनों साइड लिमिट लगा दीजिए एक्स टेंडिंग टू वाई या वाई टेंडिंग टू एक्स, ठीक है ना, लिमिट वाई टेंडिंग टू एक्स। देखिए ये क्या बनेगा, दैट विल बी एफ डैश एक्स का मॉडुलस विल बी लेस देन और इक्वल टू, और ये क्या बन जाएगा, जीरो। अब देखिए मॉडुलस कभी नेगेटिव तो हो नहीं सकता, मॉडुलस क्या हो सकता है आपका, जीरो हो सकता है। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, एफ डैश एक्स की वैल्यू आपकी जीरो आ रही है, ठीक है, हमेशा के लिए। और एफ डैश एक्स की वैल्यू जीरो आ रही है तो एफ एक्स कैसा है, एक कॉन्स्टेंट फंक्शन है। एफ ऑफ जीरो वन दिया है, दैट मीन्स आपका जो फंक्शन है वो क्या है, वो है एफ एक्स इक्वल टू वन, क्योंकि जीरो पर वैल्यू वन आ रही है तो मीन्स, और कॉन्स्टेंट फंक्शन है तो हर पॉइंट पे वन आएगा, और एफ एक्स इक्वल टू वन है तो ये कैसा फंक्शन है, ये इन ऑप्शन के करस्पॉन्डिंग एफ एक्स आपका हमेशा जीरो से बड़ा होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू रियल नंबर, और आपका फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही हो जाएगा। क्लियर, चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 19, और आई थिंक इंटीजर टाइप क्वेश्चन स्टार्ट हो गए बिल्कुल। तो कैसे करना है, देखिए इंटीजर टाइप वालों में कुछ नया नहीं होता है, बस आपको ऑप्शंस नहीं दिए होंगे, आपको जो भी आंसर आ रहा है उसके फॉर्मेट में आपको अपना आंसर देना है। तो पहला क्वेश्चन है कि इफ द लाइन दिस एंड दिस टच द कर्व दिस एट द पॉइंट्स वेयर कर्व इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस देन बी बाई ए। देखिए ये जो कर्व है आपका ये ऐसा है कुछ, पहली वाली जो लाइन है उसकी स्लोप नेगेटिव है, मीन्स पहली वाली टेंजेंट कुछ ऐसी होगी, दूसरी वाली की स्लोप पॉजिटिव है मीन्स वो इधर होगी, और ये कहाँ पे टच कर रहे हैं, जहाँ पर ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है कर्व, और एक्स एक्सिस पे इसके ऊपर पॉइंट है 1, 0 और 2, 0। इसको सॉल्व करोगे, जब वाई जीरो करोगे तो एक्स की वैल्यूज मिलेगी 1 और 2। अब इन पॉइंट्स के ऊपर है तो ये जो आपके पास में लाइन है ये भी यहाँ से पास करेगी, तो इससे पास करवाइए, पहली वाली जो लाइन है ठीक है ना, ये एक्स प्लस वाई इक्वल टू ए है, तो इसको 1, 0 से पास करवाएंगे तो यहाँ से आपको ए की वैल्यू 1 मिल जाएगी। दूसरी वाली जो लाइन है आपके सामने एक्स माइनस वाई इक्वल टू बी है, इसको आप 2, 0 से पास करवाएंगे तो आपको 2, 0 की वैल्यू बी मिलेगी, तो बी की वैल्यू 2 आएगी। यहाँ पर जो देखने वाली जो अच्छी चीज वो ये है कि आपको बस ये सिलेक्ट करना है कि 1, 0 पे कौन सी लाइन होगी और 2, 0 पे कौन सी लाइन होगी, तो आपको स्लोप से पता चल जाएगा कि जिसकी स्लोप पॉजिटिव है वो 2, 0 पे आएगी, जिसकी स्लोप नेगेटिव है 1, 0 पे होगी। बी बाई ए की वैल्यू पूछी आपसे तो बी को ए से डिवाइड कर दीजिए और 2 आपका क्या होगा, सही आंसर होगा। सो यही आपका आंसर है। चलिए सो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20, और क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए क्या दिया है, एक फंक्शन डिफाइंड है आपका एफ ऑफ एक्स -1 से 1 में, जहाँ पर आपको -1 पर इसकी वैल्यू दी गई है, -1 पर एफ डैश एक्स की वैल्यू दी गई है, और ये बोला गया कि मैक्सिमम वैल्यू एफ डबल डैश एक्स की कहाँ पर है, 1/2 पर। तो आगे बोला गया कि एफ ऑफ एक्स एल्फा से हमेशा लेस है, तो एल्फा की लीस्ट जो वैल्यू होगी वो क्या हो सकती है, ठीक है ना, एल्फा इज इक्वल टू, देन द लीस्ट वैल्यू ऑफ एल्फा इज इक्वल टू। सो चलिए बात करते हैं, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं सबसे पहले एफ ऑफ माइनस वन को 2, तो यहां से मेरे को पहली कंडीशन मिलेगी, दैट इज ए माइनस बी प्लस सी विल बी इक्वल टू 2, दैट विल बी द इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद एफ डैश एक्स मेरे को बोला गया है तो इसको डिफ्रेंशिएट किया एफ डैश एक्स, तो उसकी वैल्यू आएगी 2ax + b, और इसके अंदर अगर मैं एक्स की वैल्यू पुट करता हूँ -1 तो 1 आना चाहिए, तो यहाँ से आपको इक्वेशन मिलेगी 2a - -2a + b और दैट विल बी इक्वल टू 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इसके बाद में एफ डबल डैश एक्स पर मैक्सिमम वैल्यू दी गई है, और एफ डबल डैश एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है आपकी, दैट इज 1/2, ठीक है, और एफ डबल डैश एक्स आएगा कितना, दैट इज 2a, तो जो हमेशा कॉन्स्टेंट आ रहा है इसका मतलब 2a की वैल्यू ही 1/2 होगी, तो यहाँ से आपको वैल्यू मिलेगी a की, दैट विल बी इक्वल टू 1/4। तो a आ चुका है 1/4, a की वैल्यू 1/4 पुट की यहाँ पर, तो b की वैल्यू आएगी 1 + 2a, 1 + 2/4, सो देयर विल बी 4 + 2, 6/4, ये b आ गया। c निकालना है तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 - a, दैट इज 1/4, और साथ में प्लस b हो जाएगा, सो दैट इज 6/4। तो इसको सॉल्व किया, 8 + 6 = 14 - 1, दैट इज 13/4।
देखिए हमारी इक्वेशन क्या आएगी एफ ऑफ एक्स की, एफ ऑफ एक्स की इक्वेशन आ रही है हमारी एफ ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दैट विल बी 1/4, तो सबके अंदर आ रहा है उसको कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, बी की वैल्यू कितनी आई थी 6/4, 6x प्लस सी की वैल्यू कितनी आ रही थी 13। अब देखिए आपको बताना है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू -1 से 1 के बीच में कौन से पॉइंट पे होगी। तो क्योंकि देखिए इसका जो वर्टेक्स आएगा वो कहां पर आएगा, -3 पर आएगा, तो -1 से 1 के बाद में आपका जो ग्राफ आएगा वो इसी तरीके से चलेगा, तो मैक्सिमम वैल्यू आपकी 1 पर ही आएगी क्योंकि वर्टेक्स आपका इसके भी क्या है पीछे है, क्लियर। तो 1 पर इसकी जो वैल्यू होगी वही आपकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, तो एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू होगी वो किससे हमेशा लेस देन होगी, दैट विल बी इक्वल टू जब इसमें 1 पुट करेंगे और वो आएगा 13 + 1 = 14 + 6 = 20/4, दैट विल बी 5। सो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमेशा लेस देन और इक्वल टू 5 है, ठीक है। तो इसके करस्पॉन्डिंग द लीस्ट वैल्यू ऑफ एल्फा इज इक्वल टू, एल्फा की जो लीस्ट वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी आपकी, 5 हो जाएगी, क्योंकि एफ एक्स हमेशा इस नंबर से कैसा है आपका छोटा है। सो यहां पर आपके सामने कितना आ जाएगा 5, तो इसका आंसर होगा 5। आगे बात करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 21 क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे पूछा गया है कि द कर्व दिस एंड दिस कट एट द राइट एंगल देन फाइंड 4k की पावर 6 इज इक्वल टू। देखिए दो कर्व अगर राइट एंगल पर कट करते हैं तो क्या करना होता है, m1 m2 = -1, उसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर उसकी जो स्लोप आ रही है ठीक है ना, उनका प्रोडक्ट कितना होना चाहिए -1, इसी कंडीशन का आपको यूज करना है। मान लेते हैं कि दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x1, y1 है, तो देखिए पहले वाले कर्व को जब डिफरेंशिएट करोगे तो आएगा 4 × y³ × dy/dx या y' विल बी इक्वल टू x का डिफरेंशिएशन 1। तो इसमें जब आप x1, y1 पुट करोगे तो यहां से y' आएगा आपका 1/4y³। ऐसे दूसरे वाले को डिफरेंशिएट कीजिए, xy = k, x का डिफरेंशिएशन 1, सो y प्लस x × y' विल बी इक्वल टू 0। तो यहां से y' की वैल्यू आएगी -y1/x1, और इन दोनों का प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, -1 होना चाहिए। तो दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा माइनस का y1/4y³ × x1 विल बी इक्वल टू -1। क्या मिल रहा है देखिए आपको यहां से वैल्यू मिलेगी, एक वाई वन कट जाएगा, सो 4 × x1 × y1² विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। तो ये आपकी एक कंडीशन आ रही है, लेकिन आपको तो के निकालना, के भी नहीं 4k की पावर 6 निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, x1, y1 क्योंकि इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे लाई कर रहा है, तो इसके साथ में हमारे सामने ये कंडीशंस भी है, हमें पता x1, y1 = k, और साथ में हमें ये भी पता है x1 will be equal to y1 की पावर 4। तो एक काम करते हैं, पहले x1 को हटा देते हैं वहां से, तो देखिए जैसे ही x1 को हटाएंगे वहां से ठीक है, तो वहां से आपको मिलेगा 4 या x1 को भी नहीं ठीक है, क्योंकि हमें k के फॉर्मेट में लेके आना है उसको, तो x1 और y1 दोनों को हटाना है ठीक है। तो इन तीनों इक्वेशन से कैसे हटाएंगे, देखिए एक काम करते हैं, इसमें x1 और y1 दोनों की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो पहले इसके अंदर x1 की वैल्यू पुट कर देते हैं और फिर वहां से इसके अंदर क्या करेंगे y1 की वैल्यू पुट करेंगे। क्यों, क्योंकि हमारे पास में कुछ ऐसा फॉर्मेट आना चाहिए ठीक है, जिससे दोनों वेरिएबल एक साथ हट जाए ठीक है, या फिर हमें दोनों की वैल्यू चाहिए होगी कौन से फॉर्मेट में, k के फॉर्मेट में या इस तरीके से y1 की या x1 की। तो x1 को अगर मैं वहां पुट करता हूं ठीक है y1 की पावर 4, तो वहां पर कितना आ रहा है देखिए, वहां पर बनेगा आपके सामने 4 × x1 की जगह पे y1 की पावर 6 विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, उसमें अगर पुट किया सो दैट विल बी इक्वल टू 1। अब यहां पर मेरे को y1 की पावर 6 चाहिए और मेरे पास में कितना है x1 y1, और ये किसके इक्वलेंट है k, तो k की जगह पर मैं क्या पुट कर सकता हूं, या y1 की जगह पर दैट विल बी k/x1 ठीक है। तो यहां पर k/x1 जो पुट करूंगा y1 की जगह पे, तो ये आएगा 4 × k की पावर 6 और डिवाइड बाय साथ में कितना आ जाएगा यहां पर, दैट विल बी x1 की पावर 6 और ये कितना है ये 1 के इक्वल, तो यहां से x1 की पावर 6 की वैल्यू आ जाएगी, देयर विल बी 4 × k की पावर 6।
तो एक्स वन की पावर सिक्स की वैल्यू भी आ गई और वाई वन की पावर सिक्स की वैल्यू भी आ गई। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मेरे को क्या करना है, मेरे को के निकालना है। तो इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, तब तो आपके सामने वापस वही चीज आ जाएगी, ठीक है ना, एक्स वन वाई वन विल बी इक्वल टू के। ठीक है, तो यहां से देखिए थोड़ा सा मतलब क्वेश्चन को आपको ध्यान से करना होता है कि किस तरीके से मतलब वेरिएबल को हटाएं, किस तरीके से करें। ठीक है, तो यहीं से अगर आप वापस देखेंगे थोड़ा सा, ठीक है, फोर एक्स वन वाई वन स्क्वायर विल बी इक्वल टू वन, और हमें आगे वाली इक्वेशन में से वाई वन की पावर फोर पता है, ठीक है, या ये कहें कि जो दूसरी वाली जो टर्म पता है, ठीक है, उसको किस तरीके से कैसे मैनिपुलेट करना है। सो चलिए आगे और देखते हैं कि एक्स वन कोमा वाई वन जो है हमारा, ठीक है, ये इन दोनों कर्व पे भी लाई कर रहा है, तो यहाँ से देखिए हमें क्या मिलेगा, यहाँ से हमें मिलेगा एक्स वन विल बी इक्वल टू वाई वन की पावर फोर, और साथ में मिलेगा एक्स वन इंटू वाई वन विल बी इक्वल टू के। तो इन दोनों इक्वेशन से देखते हैं कि एक्स वन और वाई वन की वैल्यू के फॉर्मेट में क्या आ रही है, और फिर उसको हम यहाँ पे पुट करेंगे तो वहां से हमें k की वैल्यू पता चलेगी। तो सबसे पहले देखिए k की जगह पर x1 की जगह पर ये पुट कर दिया तो हमें मिलेगा y1 की पावर 5 विल बी इक्वल टू k, और ऐसे ही x1 निकालें तो x1 है y1 की पावर 4, सो x1 कितना आ जाएगा, y1 की वैल्यू पुट कर दी k टू दी पावर 1 बाई 5, सो ये बन जाएगा k टू दी पावर 4 अपॉन 5। तो ये x1 और y1 की वैल्यूज आ गई हमारे पास में, ठीक है, ये दोनों वैल्यूज हम यहाँ पुट करते हैं इस वाली इक्वेशन 1 के अंदर, यहाँ से इक्वेशन 2 और 3 से। तो देखते हैं कितना आ रहा है, 4 टाइम x1 की जगह पर k की पावर 4 अपॉन 5, और साथ में y1 स्क्वायर है यहाँ पर, सो y1 स्क्वायर कितना हो जाएगा, y1 की वैल्यू है k टू दी पावर 1 अपॉन 5, तो वो हो जाएगा आपका k टू दी पावर 2 अपॉन 5, और इनका प्रोडक्ट कितना दे रखा है हमें, 1 दे रखा है। यहाँ से आपका k आ जाएगा, देखिए कितना आ रहा है, 4 टाइम k टू दी पावर 6 बाई 5, और दैट विल बी इक्वल टू 1। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए k की पावर 6, ठीक है, तो दोनों साइड कर दी, पावर 5 कर दी, तो ये बन जाएगा देखिए 4 टू दी पावर 5 इंटू के टू दी पावर 6 विल बी इक्वल टू 1। अब देखिए इसके साथ में 4 भी एक मल्टीप्लीकेशन में है, तो दोनों साइड एक 4 का मल्टीप्लीकेशन और कर दिया, तो ये तो बन गया वो जो आपको चाहिए, 4 इंटू के की पावर 6, और राइट हैंड साइड में आ गया 4, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा आपका, 4, जो कि आपका क्या है, सही आंसर है। क्लियर है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 21। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में आपको बोला गया है कि लेट एफ एक्स बी ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 6 इन एक्स इन विच कॉपिशेंट ऑफ एक्स टू द पावर 6 विल बी यूनिटी एंड इट हैज एक्सट्रीमा 8x इक्वल टू 1 माइनस 1 एंड x इक्वल टू 1, माइनस 1 और 1 पर एक्सट्रीमा है, ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो 5 इंटू एफ ऑफ 2 की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले तो देखिए ये लिमिट तभी एग्जिस्ट करेगी जब ऊपर आपके सामने x की पावर 3 की मैक्सिमम टर्म हो, और जबकि आपको दिया गया है कि x की पावर 6 का के अंदर आपके सामने क्या है, पॉलिनोमियल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फंक्शन होगा ना आपका वो क्या होगा, वो आपके सामने x की पावर 6 से शुरू तो होगा लेकिन वो कॉन्स्टेंट टर्म तक नहीं जाएगा, इसमें से आपके सामने x क्यूब कॉमन आकर के कटेगा तब लिमिट आनी चाहिए, तो मिनिमम ये आपके सामने कहां तक जाएगा, x ax की पावर 5 प्लस bx की पावर 4 प्लस cx क्यूब तक, यहीं तक रहेगा। क्यों, क्योंकि अगर हम इसके आगे चले गए तो क्या होगा, फिर नेक्स्ट टर्म यहाँ से आपके सामने x क्यूब कॉमन आना चाहिए कम से कम इसमें से, ताकि ये x क्यूब वहां से कट जाए और ये लिमिट एग्जिस्ट कर जाए। जैसे ही इसको x क्यूब से डिवाइड करोगे तो ये लिमिट कट जाएगी, देखिए लिमिट कैलकुलेट हो जाएगी एक्सटेंडिंग टू जीरो पर, x क्यूब है तो ये टर्म तो कट जाएगी, तो x क्यूब बचेगा ऊपर जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, क्योंकि एक x बचेगा, यहाँ पर ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी और इसका आंसर आपको 1 दे रखा है, तो यहाँ से आपको सबसे पहले इस कॉन्स्टेंट की वैल्यू मिलेगी, दैट इज 1, ठीक है ना, c की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास में कि x इक्वल टू 1 और माइनस 1 इसके क्या है, एक्सट्रीम पॉइंट्स है, तो x इक्वल टू 1 और माइनस 1 पर ये क्या होगा, जीरो होगा, तो वहां से देखिए a और b की वैल्यू जाएगी, तो बात करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट किया तो यहां से आएगा 6x की पावर 5 प्लस 5ax की पावर 4 प्लस 4bx क्यूब प्लस 3cx स्क्वायर, c की वैल्यू पुट कर दीजिए,
सो 3x² ये आ जाएगा। इसमें 1 और माइनस 1 पुट कीजिए और इसको 0 के इक्विवेलेंट कीजिए, तो देखिए 1 जब पुट करेंगे तो ये आएगा 5a प्लस 4b, ये बनेगा 6 प्लस 3 9, सो देयर विल बी इक्वल टू माइनस 9। ऐसे इसमें माइनस 1 पुट करेंगे तो ये बनेगा 5a माइनस 4b और दैट विल बी इक्वल टू, इस बार माइनस 1 पुट किया है सो माइनस 6 प्लस 3 सो दैट इज माइनस 3, सो इक्वल टू में जाएगा तो 3 हो जाएगा। दोनों को ऐड कर दिया, ऐड करने से देखिए इससे ये कट जाएगा और आपको मिलेगा कितना, 10a विल बी इक्वल टू माइनस 9 प्लस 3 सो दैट इज माइनस 6, सो a की वैल्यू आ जाएगी माइनस 3 अपॉन 5। ऐसे इसमें से इसको सबट्रैक्ट कर दिया, सबट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, 5 से 5 कट जाएगा और आपको मिलेगा 8b और दैट विल बी इक्वल टू माइनस 12, सो यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी माइनस 3 डिवाइड बाई 2। तो ये आपके a और b की वैल्यूज आ चुकी है। अब आपसे पूछा क्या है, 5 टाइम f ऑफ 2 की वैल्यू कितनी होगी, तो देखिए यहाँ से आप 5 टाइम f ऑफ 2 की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है ना। 5 से मल्टीप्लाई करना है आपको किसको, f ऑफ 2 को, तो देखते हैं देखिए ध्यान से। सबसे पहले x की पावर 6, सो देयर विल बी 2 की पावर 6 64। इसके बाद में आएगा आपके सामने ax³, a की वैल्यू कितनी आई, माइनस 3/5, सो माइनस 3 अपॉन 5 इंटू कितना हो जाएगा, या चाहो तो आप यहाँ से एक्स क्यूब को बाहर ही निकाल लो, ठीक है, तो बाहर एक 8 भी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपके सामने सिर्फ 8 बचेगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर बचेगा, सो दैट इज 4। साथ में आएगा आपके सामने bx², b की वैल्यू है आपके सामने माइनस 3 अपॉन 2 और एक x बचेगा दैट इज 2, और प्लस c क्योंकि एक्स क्यूब को हम बाहर निकाल चुके हैं, सो दैट इज 1। तो ये चीज़ आपके सामने आ जाएगी। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं कितना आएगा। 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो बाहर है आपके सामने 8, पहली वाली टर्म के अंदर 8 आपके सामने, 5 अंदर से आएगा तो ये दोनों मिलके हो जाएंगे 40। इसी के साथ नेक्स्ट में 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, सो 4 × 3 सो देयर विल बी माइनस 12। इसी के साथ इसमें 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 × 3 सो देयर विल बी माइनस 15। और लास्ट टर्म के अंदर 5 आपका एज इट इज रहेगा, सो देयर विल बी प्लस 5। तो देखिए कितना आ रहा है, माइनस 10, माइनस 22 और 40, सो देयर विल बी 18, सो 8 × 18, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, आई थिंक 144 आएगा और दैट विल बी दी योर करेक्ट आंसर, सो आंसर विल बी 144, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से करना था, बस कैलकुलेशन का पार्ट था, ए और बी की वैल्यू निकालनी थी, सी इजीली निकल गया था बट ए और बी को निकाल के आपको एफ ऑफ 2 निकालना था, सो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 क्या है। देखिए 23 के अंदर 23 में आपको बोला गया है कि लेट द नॉर्मल एट ऑल द पॉइंट्स ऑन द गिवन कर्व पास थ्रू ए फिक्स पॉइंट ए कोमा बी, ठीक है, नॉर्मल ए कोमा बी से पास कर रहा है, इफ द कर्व पास थ्रू 3, -3 एंड 4, -2√2 एंड गिवन दैट ए माइनस 2√2b विल बी इक्वल टू 3, देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इज इक्वल टू, देखिए लेट द नॉर्मल एट ऑल द पॉइंट्स ऑन द गिवन कर्व, ठीक है, एक कोई गिवन कर्व है, ठीक है, जिसके किसी भी पॉइंट पर जो नॉर्मल की जो इक्वेशन है वो ए कोमा बी से पास कर रही है, ठीक है, और इसके बाद में बोला गया है कि आपका कर्व अगर इस पॉइंट से पास कर रहा है 3, -3 एंड 4, -2√2 से, तो आपको बताना है, ठीक है, कि इस वाले एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी। तो अगेन देखिए थोड़ा सा, क्योंकि जो डेटा दिया गया है वो रूट में दिया गया है, ठीक है, तो आपको उसको ध्यान से थोड़ा सा सोल्व करते हुए क्वेश्चन को आगे सोल्व करना है। सो चलिए देखते हैं देखिए क्या आ रहा है। तो सबसे पहले अगर मैं नॉर्मल की इक्वेशन लिखूं एक पॉइंट ए कोमा बी पर, तो नॉर्मल की इक्वेशन क्या आएगी, वाई माइनस बी विल बी इक्वल टू स्लोप ऑफ द नॉर्मल, ठीक है ना, एम इंटू एक्स माइनस ए, ठीक है, लेट द नॉर्मल एट ऑल द पॉइंट्स ऑन ए गिवन कर्व, ठीक है, किसी भी पॉइंट पर आपका जो a कोमा बी से पास कर रहा है कर्व पास थ्रू ए फिक्स पॉइंट a कोमा बी, गिवन द कर्व पास थ्रू ए फिक्स पॉइंट, इफ द कर्व पासेस थ्रू 3, -3 एंड 4, -2√2 एंड गिवन दैट a माइनस 2√2b विल बी इक्वल टू 3। तो ये आपके सामने क्या है, ये है नॉर्मल की इक्वेशन। तो नॉर्मल के अंदर m जो होता है वो क्या होता है, माइनस dx/dy, ठीक है, तो यहाँ से कितना आएगा, देखिए y माइनस बी विल बी इक्वल टू माइनस dx/dy इंटू एक्स माइनस ए,
अब आपको क्या करना है, आपको इसको इंटीग्रेट करना है। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे, देखिए कितना आएगा, y माइनस बी इंटू डी वाई विल बी इक्वल टू माइनस x माइनस ए इंटू डी एक्स। इसको इंटीग्रेट करते देखते कितना आएगा, यहाँ से इसको इंटीग्रेट करने से आएगा y माइनस बी का होल स्क्वायर बाई टू, जो कट जाएगा उधर आकर के, ये बनेगा x माइनस ए का होल स्क्वायर, और उस 2 को इस कॉन्स्टेंट के साथ में मिला दो, दैट इज c, ठीक है ना। ये हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया। अब आपको बोला गया है कि ये जो इक्वेशन है ये 3 कॉमा माइनस 3 और 4 कॉमा माइनस 2 रूट 2 से पास कर रही है, और साथ में a माइनस 2 रूट 2 b की वैल्यू कितनी है 3। तो यहाँ पर बस आपको ये कैलकुलेशंस करनी है थोड़ी ध्यान से, तो देखते हैं कितना आ रहा है। 3 कॉमा माइनस 3 अगर इसमें पुट करते हैं तो ये बनेगा b प्लस 3 का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू, इस साइड में आ जाएगा हमारे सामने कितना, ये बन जाएगा माइनस 3 पुट किया सो एक्स वाई की जगह माइनस 3, एक्स से 3 पुट किया तो ये बन गया a माइनस 3 का होल स्क्वायर और प्लस c, ठीक है ना। एक कंडीशन तो आपकी ऐसी हो जाएगी, ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर के अंदर आप चेंज कर सकते हो, उसमें फर्क नहीं पड़ेगा। माइनस 2 रूट 2 किससे जब देखेंगे तो ये बनेगा, देखिए y की जगह माइनस 2 रूट 2 पुट करेंगे तो ये बनेगा b प्लस 2 रूट 2 का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू, ये कर्व की इक्वेशन है ना, इससे नॉर्मल की इक्वेशन आपके सामने वो आई थी, विल बी इक्वल टू 4 पुट किया तो ये बनेगा a माइनस 4 का, अच्छा यहाँ पर एक माइनस साइन भी है, a माइनस 4 का होल स्क्वायर और साथ में आएगा प्लस c। तो सबसे पहले c को ही हटा देते हैं दोनों से, तो इसमें से इसको सबट्रैक्ट कर देते हैं, तो सबट्रैक्ट करेंगे तो माइनस ये प्लस ये माइनस, तो c कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये क्या आएगा, देखिए दिस माइनस दिस, एक बार दोनों को ऐड करना है, एक बार दोनों को सबट्रैक्ट करना है, तो ऐड करेंगे तो देखिए कितना आएगा, इसमें इसको और इसको ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 2b प्लस 3 प्लस 2 रूट 2, और ऊपर वाले में से नीचे वाले को सबट्रैक्ट करोगे तो b कट जाएगा 3 माइनस 2 रूट 2। ऐसे ही राइट हैंड साइड में नीचे वाले में से ऊपर वाले को ऐड और सबट्रैक्ट करना है, तो ऐड करोगे तो अगेन 2a माइनस 7 और सबट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, इसमें से इसको सबट्रैक्ट किया तो a से a कैंसिल आउट आ जाएगा, माइनस 4 माइनस 3 सो दैट इज माइनस 1, सो माइनस 1 यहाँ पर आ जाएगा। साथ में आपको a माइनस 2 रूट 2 b की वैल्यू 3 दी है, तो a की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं कितना, देयर विल बी 2 रूट 2 b प्लस 3, तो देखते हैं कितना आएगा। देखें यहाँ पे पुट किया a की जगह पे 2 रूट 2 b, तो ये बनेगा देखिए 2 इंटू 2, देयर विल बी 4 रूट 2 इंटू b, और साथ में कितना है माइनस 3, सो माइनस 3 करेंगे तो माइनस 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, दैट इज माइनस 6, और साथ में आपको दे रखा है माइनस 7, सो वहाँ से आएगा माइनस का a की जगह पे पुट किया 2 रूट 2 b प्लस 3, तो प्लस 3 इंटू 2 6 होगा, सो देयर विल बी माइनस 1, और साथ में है आपके सामने एक माइनस साइन, और इधर आपके सामने एक नंबर है इस तरीके का 3 माइनस 2 रूट 2 और उधर है 3 प्लस 2 रूट 2। तो पहले हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बनेगा देखिए 2b इंटू 3 माइनस 2 रूट 2, और साथ में ये नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, अच्छा यहाँ पर एक माइनस साइन भी है, ठीक है ना, उसको भी रखिए, 3 प्लस 2 रूट 2 इंटू 3 माइनस 2 रूट 2, ये हो जाएगा 9 माइनस 8, सो दैट विल बी इक्वल टू 1, और ऐसा कुछ आ जाएगा। तो देखते हैं फाइनली कितना आ रहा है, यहाँ से ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा b का जो कोएफिशिएंट है, और यहाँ पर जो b का कोएफिशिएंट है वो 4 रूट 2 है सिर्फ, ठीक है, और इधर से भी b का को जो कोएफिशिएंट आ रहा है वो आ रहा है माइनस 4 रूट 2, तो b के जो कोएफिशिएंट को इधर ले आए, अच्छा इधर भी माइनस 4 रूट 2 b है, तो b से b कट गया, और ये मिस आपके सामने क्या आ गया यहाँ पर, ठीक है, एक ऐसी इक्वेशन आ गई, ठीक है, जिसके अंदर b का कोएफिशिएंट 3 के साथ में भी है, इसके अलावा 3 के साथ में भी है, तो ये कितना आ जाएगा 6b, और यहाँ पर कितना आ गया प्लस 1, और इस साइड में आपके सामने कितना था, ठीक है, इसके अलावा जो एक जो नंबर था वो था आपके सामने 1। दोबारा देखो हमने क्या किया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, तो माइनस 4 रूट 2 भी इधर भी माइनस 4 रूट 2 भी वो कट गया, साथ में यहाँ पर आएगा 6b, और इस साइड में आपके सामने प्लस 1, एक जो 1 यहाँ पर आया था 9 माइनस 2 रूट 2, ठीक है, और इस साइड में आपके सामने कितना आया था, दैट इज प्लस 1, तो इससे ये कैंसिल आउट हुआ, और यहाँ से आपका b कितना आ गया, 0 आ गया, b 0 आ गया, तो a बहुत ईजी हो गया, यहाँ से a की वैल्यू कितनी हो गई, इस वाली इक्वेशन से a की वैल्यू 3 आ गई, a 3 और b 0, तो आपका आंसर आ जाएगा 9, और ये दोनों टर्म 0 हो जाएगी, और यही आपका क्या है, करेक्ट आंसर। ऐसे क्वेश्चंस में बच्चे डर जाते हैं कि यार ऐसी इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करें, तो देखिए थोड़ा सा अगर आप ध्यान से करेंगे तो इजीली सॉल्व हो जाएगी। चलिए आगे बात करते हैं,
आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है और दैट इज क्वेश्चन नंबर 24। इसमें देखिए हमसे क्या पूछा है कि लेट ए बी एन इंटीजर सच दैट ऑल रियल रूट ऑफ दिस इक्वेशन लाइज इन दिस इंटरवल। इसके जो सारे रियल रूट्स है वो आपके इस इंटरवल में लाई कर रहे हैं, तो मॉड ए का वैल्यू किसके इक्वलेंट होगा। देखिए थोड़ा सा अगर आप देखेंगे ध्यान से क्वेश्चन को, ठीक है, कि इस इक्वेशन के रूट्स के बारे में डिस्कस करना है हमें और ये किस फॉर्मेट में हमें दी गई है, 2x की पावर 5, 5x की पावर 4, 10x क्यूब, 10x स्क्वायर, 10x 10, बहुत जगह पर ऐसा यूज हो रहा है। चलिए एक बार इसको सबसे पहले डिफ्रेंशिएट करते हैं रूट्स चेक करने के लिए। एफ डैश एक्स कितना आ रहा है, सो देर विल बी 10 × x^4 + 5 × 4, देर विल बी 20x³ + 10 × 3, सो देर विल बी 30x² + 20x + 10। देखिए यहाँ और यहाँ कोएफिशिएंट सेम, यहाँ और यहाँ सेम, और यहाँ पर मिस मिडिल टर्म बची सिर्फ, एक्स स्क्वायर को कॉमन निकालो, 10x² + 10/x², सो 10 × x² + 1/x² + 20x + 1/x और प्लस 30, ऐसा ही एक्सप्रेशन बनेगा। x हमेशा पॉजिटिव है, इसमें से भी 10 भी कॉमन आ जाएगा, सो 10x², इसको t माना, इसको x + 1/x को, तो देखिए ये 20t, तो x² + 1/x² कितना हो जाएगा, x + 1/x को t माना था, स्क्वायरिंग करेंगे तो t² - 2 आएगा, तो ये बनेगा t² - 2 + 20t + 30। तो यहाँ से हमें क्या मिला, हमें मिला 10 × x² और इसकी वैल्यू वापस पुट कर दी, x + 1/x² + 20 × x + 1/x और 30 - 2, देयर विल बी 28। अब देखिए ये जो क्वांटिटी है ना, ये आपकी क्या है, हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि इसके अगर आप डिस्क्रिमिनेंट की बात करें, ठीक है, और या वैसे भी अगर हम बात करें कि x + 1/x होता है ना, वो हमेशा 2 से ग्रेटर होता है या फिर -2 से लेस होता है, ठीक है। और इस क्वाड्रेटिक का जब आप डिस्क्रिमिनेंट की भी बात करेंगे तो यहाँ से 400 आएगा, ठीक है, और यहाँ से आपके सामने 30 - 28, 28 × 4, ठीक है। या -2 के पहले अगर हम बात करें, क्योंकि x + 1/x तो या तो -2 से छोटा होगा या फिर 2 से बड़ा होगा, तो दोनों ही केस में इस क्वाड्रेटिक जो मिलेगी आपको वो ऊपर की तरफ ऐसे पॉजिटिव मिलेगी, -2 से 2 के अलावा बाकी जो पॉइंट्स होंगे, ठीक है। बीच में नेगेटिव आएगा कुछ पार्ट्स पे, लेकिन वो वाला पार्ट आपका होगा ही नहीं यहाँ पर, क्लियर। और अगर वो नहीं हो रहा है तो अब आप इसको इजीली बता सकते हो कि ये हमेशा पॉजिटिव है तो इसका एक ही रियल रूट होगा, और वो रियल रूट कौन से इंटरवल में लाई कर रहा है वो आप चेक कर सकते हो। x = 0 पर इसकी वैल्यू 10 है और क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो x = 0 पर ये पॉजिटिव होगा। x = -1 पे अगर हम बात करें तो -1 पे देखो कितना होगा, -2 + 5 - 10 + 10 और साथ में आएगा हमारे सामने यहाँ पर ये प्लस 10, इसके बाद में फिर -10 और फिर वापस प्लस 10, तो देखिए ये कैंसिल आउट हो जाएगा -10 से +10 और ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना आएगा +3। तो -1 पर भी वैल्यू कितनी आ रही है, +3, यहाँ पर 10 आ रहा था, यहाँ पर 3 आ रही है, लेकिन -2 पर जब चेक करोगे तो ये नेगेटिव आ जाएगा, तो आपका जो रूट होगा ना वो कहाँ लाई करेगा, वो आपका -2 से -1 के बीच में लाई करेगा, और इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इंटरवल है आपका -2 से -1 के बीच में है। तो आपको बोला गया कि मॉड ए की वैल्यू क्या होगी, तो मॉड ए जो होगा आपका, ठीक है ना, वो कितना हो जाएगा, दैट विल बी 2, क्योंकि ए की जगह पर कितना आ रहा है, -2 आ रहा है, तो मॉड ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 2 हो जाएगी, क्लियर है बच्चों। इसी के साथ आज का आपका कंप्लीट होता है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट गुरुनीति में। थैंक यू वेरी मच।